सिर्फ कटिंग नहीं पिला रहा, नया कस्टमर भी दे रहा हूँ। बस मेरे कट का ध्यान रखना। हाँ देखता हूँ भाई, पहले मेरा कट तो फिक्स करो। हाँ बोला ना, देखता हूँ। ये क्या, मैसेज खाली है? किसने भेजा होगा? मैं क्या कोई छोकरी हूं जो मुझे कोई ब्लैंक मैसेज भेजेगा? आ जाओ आ जाओ। नमस्कार साहब। ये लौंडा कौन है? आपको बताया तो था, गुरुमूर्ति। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? हाँ, जावा आईकैट में स्पेशलिस्ट। एक बच्चे, ये जावा शावा की जरूरत नहीं है, डिग्री है काफी है। बैठ जाओ। देख बच्चा, तेरे से मुझे एक हेल्प चाहिए। लाइफ में मैंने बहुत ब्लैक मनी कमाया, उसे व्हाइट वॉश करना है। सबसे पहले इस फ्राइडे तुम्हें एक नया बैंक अकाउंट खोलना होगा। फिर एक अमेरिकन कंपनी को 5 करोड़ रुपए में सॉफ्टवेयर बेचने का फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, समझे ना? सॉफ्टवेयर के नाम पर कोई शक नहीं करेगा, पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। 2-3 हफ्ते बाद 4.5 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बाकी 50 लाख से जैसा चाहो ऐश करना, वो पैसा तुम्हारा ही होगा, लौटाने की जरूरत नहीं। और बेटा मेरी एक बात का ध्यान रखना, इतना पैसा देख के अपनी नियत मत फिसलने देना। मेरी बात समझ रहा ना तू? अपनी बीवी और बेटी को वर्ल्ड टूर करवाना, इसके साथ रहना। ठीक है साहब, चलो गुरुमूर्ति। पैसा जमा करवाने के ठीक 5 मिनट बाद सारा पैसा निकाल लिया। किधर रखा मेरा पैसा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? ए, कल सुबह 9 बजे तक वेट करूंगा। मेरे डकारे हुए पैसे नहीं लौटाए तो लकड़ियां खरीद लेना दाह संस्कार के लिए, बीवी और बच्ची के वास्ते। देखो गुरुमूर्ति, तुमने पैसे चुराए या किसी ने तुम्हें चूना लगाया, मुझे कोई सरोकार नहीं। अगर वो पैसे नहीं लौटाए तो तेरी फैमिली को मार दूंगा। क्या बात है, पसीने से नहाए हुए हो? वो लिफ्ट बंद थी ना, सीढ़ियों से आया हूं। खाना परोस दूं? डोसे के साथ तुम्हारी फेवरेट नारियल की चटनी बना रही हूँ। हाँ। कल सुबह 9 बजे तक वेट करूंगा। मेरी बात समझ रहा ना तू?
हेलो, डू यू हैव अ मार्गरिटा कॉकटेल? टेनोरिटा पी रही है मार्गरिटा? एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ लाइटर टू मेक फायर? फायर? या मी, वन मिनट. How are you? I'm Abhimanyu. He was a great warrior. Hi. It's really nice to meet you. It's a crime to see a young girl like you waiting for a drink at my bar. Pradeep. Your bar? Of course. You see that? He's my uncle. He's a legend. Okay. Cheers. Hey, Kuchan. Where are you from? Barcelona, Spain. Oh, Spain. I speak a little bit of Spanish. और मुझे थोड़ी हिंदी आती है. फिर तो और भी आसान हो गया. यार भाई, तेरे को मैं ही मिला था क्या? बीज मैं बोल रहा हूँ, फसल तू काटेगा. ले आइस कर. I'll be right there. अकेली है. कुछ भी हो, आज नो लिमिट, पूरी भड़ास निकालनी है. एक साल तक मिलिट्री कैंटीन का बोरिंग खाना झेलना पड़ेगा. अरे इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है? यहाँ कैंटीन में राशन के भाव में रम मिलती है. भाई क्या कह रहा है? जन्नत ही जन्नत है, चारों तरफ फिरंगी. छी, क्या लड़कियों को घूर रहा है? ये विदेशी हमारे मेहमान है, उनकी रिस्पेक्ट किया कर. मुझे रिस्पेक्ट सिखा रहा है? वो लफंगा नाक कटवाएगा हमारी. वो फिरंगी को लाइन मार रहा है. वो सिग्नल भी मिल चुका है. देखो, तुम और मैं सीधे बार्सिलोना जाएंगे. वहाँ चर्च में मैं तुम्हें मंगलसूत्र एंगेजमेंट रिंग पहना दूंगा. चर्च के बजाय मंदिर में जाएंगे. हाँ. शादी के फेरे लेंगे और फिर इंडिया में हम दोनों कहीं सेटल हो जाएंगे. इंडिया में छोटे से गांव में. सुपर्ब आइडिया, बकवास आइडिया. इसका पत्ता तो कट गया. मुझे बिल सेटल करने को कहा था क्या? ए, मेरा बिल भी इसी से लेना. वेलकम टू इंडिया. ए ब्रदर, मैं ज्ञान किसी और को बांट. अरे सुन तो ब्रदर, दो मिनट ही लूंगा यार. मेरे दरवाजे पे आया हुआ पार्सल मुझसे छीन लिया. वो शादी के लिए राजी भी हो गई थी. ऐसी रसमलाई को छोड़ के जाना सही नहीं है. मिस्टर ज्ञान कुमार, उसके रंग या खूबसूरती की वजह से उसे लाइन नहीं मारी. फॉरेनर है इसीलिए चांस लिया. ओह, फॉरेन में सेटल होने की इच्छा है? सिर्फ इच्छा नहीं है, मिशन है. क्यों, अपने देश से प्यार नहीं है? नहीं, यहाँ से बहुत खुन्नस है. यहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन मेड इन इंडिया है, बाकी सब मेड इन फॉरेन है. करेक्ट बोला. जिसे देखो वो बस फॉरेनर्स की नकल करते रहता है. तो मैंने सोचा वहीं जाकर सेटल हो जाता हूँ. वाह, नाम तो तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए था. अरे मेरी ड्रिंक वांदा नहीं. तेरी शहनाई बज गई है क्या? नहीं मेरे भाई. तो तेरे लिए परफेक्ट है, जा लपक ले. थैंक यू मेरे भाई. क्या बात है, आज काला जामुन और रसमलाई की जोड़ी बन के रहेगी. हेलो, एक्सक्यूज मी, एक बार फिर से, आई एम ज्ञान. अंगूर तो वाकई में खट्टे हैं. ए मैन, वो फ्रॉड दूसरी फिरंग को अपना शिकार बना रहा है. अबे हो सकता है वो पहले से दोस्त हो यार. ही इज अ हंटर मैन. अबे पीने पे ध्यान दे, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है. हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम अभिमन्यु. उसको अभी बता. चल चल चल, बैठ जा. कहां ना? अर्जेंटीना. व्हेरेवर यू आर फ्रॉम. आई मेरी बात सुन, अगर एक लड़की को और छेड़ेगा ना तो उसे मैं खुद सीधा करूं. कंफर्म ब्रो? एकदम कंफर्म. हेलो, माय नेम इज अभिमन्यु. ही वाज अ ग्रेट वॉरियर. दिस इज माय बार एक्चुअली. हाय, व्हाट इज योर नेम? हाय, वेरी सॉफ्ट हैंड्स. तुम्हारे देश चलकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे. हम लोग आर्मी में है ब्रो. तो यहाँ परेड करने आए हो? उल्टा जवाब देता है. यू प्लीज डोंट गो. चल खड़ा हो जा. अबे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? चल चल ठीक है. सॉरी सॉरी. अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मार क्यों रहे हो? तो चेहरा बिगाड़ दूंगा. खबरदार, आइंदा कभी फॉरेनर्स की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो. अतिथि देवो भव. लगता है ज्यादा पी गया. अभिमन्यु भांजे, अभिमन्यु क्या हालत बना रखी है? किसी ने जूस निकाल दिया है तेरा. चिल्ला मत, दुबई में बैठे बार के मालिक को तेरी हरकत का पता चल गया ना, उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची की धुनी देगा. दिन रात विदेशी कबूतरियों के सपने देखता रहता है. मामा, बिना वीजा के मैं फॉरेन नहीं जा सकता, इसलिए एक ही रास्ता है, किसी फिरंगी से शादी करके फॉरेन में सेटल हो जाऊं. इंडियन लड़की पटाना लोहे के चने चबाने से भी मुश्किल है, लेकिन उनसे शादी करना इजी है. विदेशी लड़कियां एक मिनट में दोस्ती कर लेती हैं, लेकिन शादी के चक्कर में नहीं पड़ती. पापा और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी जिस दिन मैं एमी जैक्सन से शादी करूंगा. उसके लिए तुझे माइकल जैक्सन बनना पड़ेगा. ए, तेरा गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, तभी तेरी नाक तोड़ दी. देख तेरे पापा को फोन होगा. अब इसे क्या हो गया? हाँ बोलो. बेटा, तेरी बहन सेल्वी का कार एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया
ऑपरेशन के लिए 5,000 चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, सेल्वी से बात कराओ। अरे बेटा वो इस वक्त इंजेक्शन ले रही है। इंजेक्शन ले रही है, डॉक्टर से बात करवाओ। अरे भाई डॉक्टर ही तो इंजेक्शन दे रहा है। नर्स, कंपाउंडर, वॉचमैन कोई तो होगा ना, उन्हें फोन दो। क्यों बेटा अपने सगे बाप पर भरोसा नहीं है? दुनिया में तुम आखिरी इंसान बचोगे तब भी नहीं करूंगा। अब फोन रखो। आपके झांसे में नहीं आया? पता चल गया तेरा भाई तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, उससे एक दमड़ी निकालना भी मुश्किल है। अपने बाप को थोड़ी तो इज्जत दे। पूरी दुनिया से झूठ बोल के तो उधार लेते रहते हैं, मैं क्यों इज्जत दूंगा? इस महीने घर खर्च भेज चुका हूँ मैं। भांजे सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी खुद भी वहाँ जा, आखिर वो तेरा घर है भांजे। घर? आपकी बहन यानी मेरी माँ, जब वो गई तो घर भी छूट गया, बस अब एड्रेस रह गया है। वो बाप मुझे बेटा समझेगा तब तो मुझसे प्यार करेगा ना। माँ चली गई तो मुझे उठा के मिलिट्री स्कूल भेज दिया, मुझसे मिलने तक नहीं आया। देख भांजे सब कुछ भूल जा, माफ कर दे उसे। अरे मामा मुझे माफ करो यार, एक पैग और बनाओ। नहीं दूंगा। अरे मामा प्लीज यार, इसके बिना नींद नहीं आएगी। जब वो तुझे मार रहे थे तो तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मौका ही नहीं दिया, जिसका जैसे मन किया मार दिया। इसीलिए लिमिट में पीना चाहिए। बस एक बार कल सुबह मेरा हैंगओवर उतर जाए तो फिर तो क्या बिगाड़ लेगा उनका, नशे में उनका थोबड़ा भी नहीं देख पाया होगा। इतनी रात को गॉगल्स, रजनी का फैन है क्या? लुंगी डांस, वेट एंड सी। देखते हैं देखते हैं। जेंटलमैन We welcome you all to the Military Training Academy, और मुझे यकीन है कि एक साल के बाद आप सभी की ट्रेनिंग पूरी होने पर you all will be the best officers of the Indian Army. During this training, you'll be under the charge of a best officer, Major Abhimanyu. अगले एक साल तक आप मेजर अभिमन्यु को रिपोर्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट जेंटलमैन, जय हिंद। अटेंशन सर, लेफ्ट टर्न। वहां सेकंड फाइल में जो थर्ड कैडेट है, जरा बाहर आएंगे। अबाउट टर्न। Third file, first cadet, step out. Left turn. God, please save me. Sir. वो third file में fourth बंदा आपने miss कर दिया। अरे छुपे रुस्तम, बाहर निकलो। काश तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती। मत मारो कह रहा था। Now tell me, पैर पर अटैक किसने किया? मार, टांग पर, मार, मार, तोड़ टांग। आजा, अपना पैर पकड़। अब ग्राउंड के 100 राउंड मार, चल निकल। शोल्डर पे किसने मारा था? विदेशी लड़कियों को छेड़ेगा? नीचे बैठ। जंप 100 राउंड्स, निकल। तुम लोग में एक स्टंट मास्टर था ना, जो एकदम रोल वोल करके फाइट कर रहा था। रोल करके मार। उसने मारा। आजा भाई, मंदिर में भक्त ऐसे रोल करते हैं। 100 परिक्रमा लगाई है। तथास्तु। सर मैं तो सिर्फ देख रहा था। अरे आप तो फाइट कोऑर्डिनेटर थे ना। होल्ड हिम, होल्ड हिम, इधर से कर सीट मैन, अभी तेरा गर्मी निकालता है। ठीक ठाक किया ना। तेरे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। इस कैंप में 200 आर्मी के लोग हैं। हर एक को तू सुबह सुबह गुड नाइट विश करेगा, दोपहर को गुड इवनिंग विश करेगा, और रात को सोने से पहले गुड मॉर्निंग कहेगा। सब टाइम गलत है सर। तेरा टाइम भी गलत है। चल बोल। गुड नाइट मेजर। सिर्फ आज नहीं, पूरे साल करना है। व्हाट? निकल। गुड नाइट मेजर। बॉयज, इट्स 4 AM, वेक अप। आर यू रेडी फॉर द ट्रेनिंग? Good evening, sir. Good morning. So in the first section, kya likha hai? Kya kar rahe ho tum? Kya kar rahe ho tum? Sir, main wo. Huh? Oh. Hi. Hi. Hey, mama, ye kiski bachchi hai?
घर में नर्सरी खोल दी क्या? सीधा कॉलेज खोलूंगा, बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा? पड़ोसी की बच्ची है। मतलब बात लीक हो गई कि तुम बेरोजगार हो। हाय बेबी। बहुत बुरा हुआ इस Hello? बच्ची के साथ। इसके पापा गुरुमूर्ति ने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। क्या कह रहे हो मामा? इस शहर के हर घर में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, हर चीज होती है, और ये सब चीजें आती कहां से है? क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पर। गुरुमूर्ति ने भी यही किया। लोन चुकाने से उसे मरना आसान लगा। इसकी माँ इंश्योरेंस का पैसा लेने गई है। एक सेकंड पकड़, मेरी सीटी बज गई है। आ जाओ बेटा। तुम्हारी मम्मी आती होगी बेटा। शादी हो जाती तो मेरी ऐसे सीटी नहीं बजती। रोते नहीं बेटा, एरिया में तो आती ही होगी। वो तुम्हारे लिए कुछ एक्सक्यूज में यही होगी। गुरुमूर्ति का घर कौन सा है? अगला फ्लैट है, उस पे तो ताला लगा है। हाँ आती ही होगी। हाँ मैं वही हूँ सर, वो सुसाइड केस वाला गुरुमूर्ति। अरे बहुत टेंशन हो गया है। ठीक है ठीक है। हाँ मैं ऑफिस में आके मिलता हूँ। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। मैडम आप गुरुमूर्ति जी की मिसेस हैं? जी हाँ, कहिए। ओहो, अरे मैं कितनी बार फोन करूं, तुमको फोन उठाने को होता नहीं है क्या? नहीं। या पति ने मरते टाइम बोला था कि लोन वाले का फोन उठाना मत? लोन लेते समय तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हो। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? ईएमआई भरने को होता नहीं है? घर लोन पे, कार लोन पे, गाँव में कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लोन लेने में मजा आ रहा था क्या? प्लीज चिल्लाइए मत। तो क्या पूजा करूं? मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। मुझे टाइम देने से क्या होगा, तेरा पति लौट आएगा, कहां से लाएगी इतना पैसा? और तू भी मर जाएगी तो लोन कौन चुकाएगा? मेरी बात। चल दरवाजा खोल। बोली गाय बन के खड़ी है मेरे सामने। मामा जरा इसे पकड़ना, मैं अभी क्या हुआ बात कर लेना। ऐसे मुंह लटकाने से कर्जा उतर जाएगा। अब दरवाजा खोल। अरे कौन है तू? मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये काम है? ये काम है? हमारे देश 5-6 बैंक से करोड़ों का लोन लेके विजय मालिया फॉरेन में ऐश कर रहा है, उससे मांगा था कभी? छोटा बिजनेसमैन, ऑटो चलाने वाला, नौकरी करने वाले लोगों से एजुकेशन लोन बोल के गरीब स्टूडेंट्स को लूटते हो? धमकी देगा। देख, अपने लोन का अमाउंट मांगना गलत नहीं है, लेकिन दिन रात फोन करके घर पे आके बदतमीजी करना, गुंडागर्दी करना आदत बन गई है तुम जैसों की। ए, तू जानता है मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, फिर से तेरा मनहूस चेहरा इस एरिया में कहीं दिखा ना, 4 गोली भेजे में उतार दूंगा। चल निकल। मेरी बाइक। हाँ? बाइक मेरी। बाइक उठाने का बहुत शौक है ना? सर जाता कि फैक्स है? तो क्या तरीका है? खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या? भूल गए तुम एक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर हो और तुम्हें प्रोटोकॉल से चलना होगा। शुक्र मनाओ किसी ने तुम्हारी मारपीट का वीडियो नहीं बनाया। क्यों इतने जज्बाती हो जाते हो? वो मामूली सा सब इंस्पेक्टर मुझसे सवाल कर रहा है। फैक्स से तुम्हारी फोटो और कंप्लेंट भेजी है। आई एम रियली सॉरी सर। इस साल की तुम्हारी ये 7वीं सॉरी है। यू मे बी फिजिकली फिट बट साइकोलॉजिकली यू आर टोटली अनफिट। मैं तुम्हें 6 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। इतने टाइम में गवर्नमेंट ऑथराइज्ड साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो, एंगर मैनेजमेंट सेशन कंप्लीट करो, फिट होने का सर्टिफिकेट इश्यू करवाओ, उसके बाद ही तुम्हें एकेडमी में वापस एंट्री मिलेगी। गॉट इट सर? माय डिसीजन इज फाइनल, डिसमिस। मेरे लिए एक मामी ढूंढ दो। क्यों? वरना ऐसे ही पागलखाने में एडमिट करना पड़ेगा मुझे। अंदर तो चल, बहुत मामी मिलेंगी। जी हाँ, आपको 7 बजे आ सकते हैं। हाउ आर यू? आई लव यू। ओके, अपने भांजे को कह रहा हूँ। ये लोग कौन है? फोन कट। इनका अपॉइंटमेंट लिया है। गुड नेम सर? अभिमन्यु। डॉक्टर रति देवी अभी आई नहीं है, आप वेट कीजिए। रति देवी? जरूर ये 1950 की कोई विंटेज मॉडल होगी, देख ले। बस मिलना ही तो है। स्ट्रेंज साउंड कमिंग कहां से? सर एक्सक्यूज मी सर, लिवर में पेन हो रहा है, सुसु आ रही है, किसी से मार खा के आए हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है मुझे। डेढ़ पसली का इंसान पहले जोर से बोलना तो सीख ले। तेरे साथ पुश्तों में से किसी ने गुस्सा नहीं किया होगा। मुझे शेंडी लगा रहा है। मैं डेढ़ पसली लगता हूँ, मैं डेढ़ पसली लगता हूँ, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ? देखिए भाई सब, चिल्लाइए मत, भरभरा के गिर जाएंगे। तू सुल्तान जैसा फिट है, मैं टीबी का मरीज हूँ, तू 100 साल जिएगा, मैं कल कब्र में जाऊंगा, यही कहना चाह रहा है तू? मिट्टी के खिलौने से भी नाजुक हैं आप, ज्यादा हिलेंगे तो बिखर जाएंगे। मैं कोई खिलौना हूँ? जो हिलूंगा तो बिखर जाऊंगा। तुझे मैं अपनी पावर दिखाता हूँ आज। हाँ शांत हो जाइए सर। मैं तुझे चीर डालूंगा, मैं तुझे फाड़ डालूंगा। तुझे पता नहीं है मेरा साहब 3 किलो का हाथ है, और एक बार ये हाथ उठ गया तो इंसान उठता नहीं है, उठ जाता है।
जैसे टूट गया। इसे सनी के सारे डायलॉग याद है। कंट्रोल। क्या भांजे, मैं तो आधे घंटे में पागल हो गया। तू भला 6 हफ्ते यहाँ कैसे रुकेगा? कोई पागल यहाँ 6 हफ्ते तक रुकेगा? काउंटर पे जाइए, अगले 6 हफ्ते के फॉर्म एक साथ लाइए, डॉक्टर एक ही झटके में सब पे साइन करेगी। कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? 6 हफ्ते की छुट्टी लेने वाला हूँ। ला दे। ये कौन है? रति देवी। और कौन? विंटेज मॉडल। डॉक्टर, इसका नाम अभिमन्यु है और आपको इसका गुस्सा शांत करना है। लगता है कन्फ्यूज है। डॉक्टर, इसका नाम अभिमन्यु है, बात बात पे गुस्सा करता है, आपको इसे ठीक करना है। डॉक्टर, झाड़ना पोछना छोड़ो। अरे जाओ यहां से, काम करने दो। ये एंटीक पीस तो बाई निकली। चल बैठ जा, चल। सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर है। मैडम, यहाँ दो मेंटल पेशेंट्स आए हैं, लगता है झटका देकर ही ठीक करना होगा। अरे बाप रे, नाम सुन के लगा पुराने जमाने का टेलीग्राम होगी, पर ये तो लेटेस्ट स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भांजे, तेरी मामी मिल गई। आप में अभिमन्यु कौन है? जो आपके सामने बैठा है, 6 फुट का हट्टा कट्टा गबरू। हेलो अभिमन्यु, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लाए हैं? स्कूल या कॉलेज, किसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए? लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इंस्टेंट कॉफी से फास्ट। सर, थोड़ा आगे आइए। टेल मी डियर रति, शायद आप नर्वस जल्दी हो जाते हैं। आपको कैसे पता? मुझे इसका इलाज भी पता है। इलाज कैसा? मेरी मेड ने बिजली के झटके देने की राय दी है। इनडायरेक्टली ये मुझे बाहर मिलने के लिए कह रही है। तो अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? थैंक यू, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे चाय की टपरी पर। कम फास्ट, डोंट बी स्लो। तो बताओ अभिमन्यु, आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? अन्याय होते देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, और वो लोग जो अन्याय का तमाशा जिंदा लाश की तरह देखते हैं ना, उन्हें मैं कोमा पेशेंट कहता हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भूलकर कोमा पेशेंट बन जाऊँ? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अन्याय देख के गुस्सा करना गलत नहीं, लेकिन उसे मारना गलत था। क्या सही है और क्या गलत है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं नहीं कह रही कि गलत है, आपके ऑफिसर को गलत लगा और इसीलिए आपको मेरे पास भेजा। सीनियर ऑफिसर तो बोलेंगे ही ना, कोई चॉइस नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है, और यहाँ आना मेरी मजबूरी, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। ये मेरे 6 हफ्ते के फॉर्म्स हैं, ये भी एक फॉर्मेलिटी है, तुम बस इन पर साइन कर दो, ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब सब कुछ फॉर्मेलिटी ही है तो अभिमन्यु, बिना आपकी मेंटल हेल्थ चेक के ये पेपर्स में साइन नहीं कर सकती। मैं मेंटल दिखता हूँ? बाहर बैठे पागल के जैसा। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर आपकी हरकतों से वही लग रहा है। ए, तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है ही कितना, क्या देखा है लाइफ में? किताब के 4 पन्ने पढ़ लिए तो क्या मेरी लाइफ पढ़ ली तुमने? मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का अंदाजा है? मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस जानते हो तुम? तुम मुझे चेक कर ही नहीं सकती हो, चुपचाप पेपर्स पर साइन करो। तुम एक अच्छे ट्रेनर हो, अपने कैडेट्स को अच्छे ऑफिसर बनाते हो, अभी तेरी इंसान भी ठीक ठाक हो, लेकिन गलत बातों पर रिएक्ट करते हो। इस वक्त गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं, तुम्हारी एकेडमी नहीं कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं। अगले 6 हफ्तों तक मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट की तरह आना, फिर मैं इसमें पक्का साइन कर दूंगी। जिस दिन भी तुम 1 घंटा बिना गुस्सा किए बात करोगे, मैं इस फॉर्म पे साइन कर दूंगी। अच्छे स्टूडेंट की तरह डेली अटेंडेंस देना। इसे रखो, जब भी गुस्सा आए इसे दबाना और 10 तक की गिनती करना, गुस्सा भाग जाएगा। See you on the next session. नमस्ते साहब। कैश लाया है साहब, इस बार थोड़ा कम कर दीजिए ना। इतने कम में काम नहीं होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। फाइल से 4 पन्ने ही तो फाड़ने हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा है सर। 5 सब इंस्पेक्टर केस पे काम कर रहे हैं, आप पे किसी तरह की आंच नहीं आएगी। क्या बात है सर, गलत काम करने में हिचक हो रही है? काम हो जाएगा, मतलब डील ओके ना सर? भाई को बोलो शुक्रवार 12 बजे से पहले पैसे मेरे अकाउंट में डाले। ओके सर। वरना आप बेफिक्र रहिए सर। आज तुम्हारा फर्स्ट सेशन है, ये बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ बताओगे कि नहीं? तुमने कहा था ना एक घंटे तक गुस्सा कंट्रोल करो तो तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी। तुम बोलती रहो, मैं तो चुप ही रहूंगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। देखो अभिमन्यु, हर इंसान अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं पर रिएक्ट करता है। अगर वही इंसिडेंट्स बचपन में देखे हो और वो रिएक्ट नहीं कर पाता तो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपने लगता है। इस बढ़ते गुस्से और नफरत को अनफॉरगिवनेस हुक कहते हैं और बदला लेने की चाह गुस्से का रूप लेती है। इस इमोशनल ट्रैप से निकलने के लिए अपने गुस्से को कम करके उस इंसान को माफ करना होगा जिस पे गुस्सा हो। तुम पेरिस गई हो क्या? हाँ गई हूँ। क्यों? अपनी सिस्टर से मिलने। जो इस फोटो में है वो तुम्हारी सिस्टर है? वहाँ क्या करती है वो? वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। फ्रेंच सिटीजन। नाम क्या है उनका? सरोजा देवी। ओह, सरोजा देवी, नाइस। उनकी शादी हो गई है क्या? ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ, शादी हो गई है क्या? नहीं। सुपर्ब, ग्रेट। तो अब तुम्हारा मकसद है मेरा गुस्सा भगाना, मेरा मकसद है इस देश से भाग जाना। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? मान लो तुम चांदनी चौक में रहती हो और तुम्हें वहां से डिफेंस कॉलोनी जाना है, ट्रैफिक के बीच में गुस्सा आए बिना जा सकती हो? अरे इम्पॉसिबल है। कोई हॉर्न मारेगा, कोई गलत साइड से ओवरटेक करेगा, फुटपाथ पे चलने के बजाय लोग रस्ते के बीच से चलेंगे, वीआईपी के लिए रास्ता रोका जाएगा, हवलदार तुम्हारा चलान काटेंगे। ऐसे में तो किसी सन्यासी को भी गुस्सा आ जाएगा। अब सोचो, मैं फॉरेन में रहूंगा, एक सेकंड भी गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि वहां इतना ट्रैफिक होता ही नहीं है। यही एक तरीका मेरा गुस्सा भगाने का। सरोजा देवी से सेटिंग करा दो ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं चलाती हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, मेरे गुस्से को रोकना है। और तुम इसे स्ट्रेस बॉल कहते हैं। जब भी गुस्सा आए 1 to 10 काउंट करके इसे प्रेस करो, गुस्सा छू हो जाएगा, मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है। अगले सेशन में मिलते हैं। सरोजा देवी को मेरा हाय कहना। कैश जमा। ए, दरवाजा बंद कर। क्या बात है, आज मस्त महक आ रही है। कौन से होटल से मंगवाया? अपने अकीम भाई के ढाबे से। एक दिन में कितना कमाता होगा? यही कोई 40,000 छाप लेता है। इतना कमा के भी हमें हिस्सा तक नहीं दिया। सिर्फ आपके चिकन में एक्स्ट्रा मसाला डालता है, उसे यहाँ बुलाते हैं और उसमें मसाला भरते हैं, फिर हिस्सा देगा। सुन, तू बाहर जा। सर, हमारा काम कर दिया। ए, मुझे बेवकूफ समझता है? बिना पैसे दिए मुझसे काम करवाया? सर, आपके अकाउंट में पैसे डलवा चुका हूँ, आपको मैसेज आ गया होगा। हाँ, मैसेज आया था और उसके ठीक 5 मिनट बाद पैसे निकल भी गए। सर, मुझे कहानियां सुना रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अमाउंट डलवा दिया, हमारा काम पूरा हुआ, पैसे कहाँ गए वो आप देखो। हाँ बोलिए सर। अरविंद, अभी अभी मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए गायब हुए। ये क्या कह रहे हैं सर, हैकर्स ने पुलिस वाले के अकाउंट में डाका डाला। सर, मुझे कंप्लेंट फॉरवर्ड कीजिए, मैं अभी ट्रेस करता हूँ। कंप्लेंट नहीं कर सकता, इनकम का सोर्स नहीं बता सकता, सीक्रेट अकाउंट, बात समझो। ठीक है, अकाउंट्स की डिटेल भेजिए, मैं भी कुछ करता हूँ। कुछ पता लगा? ट्रेस कर लिया सर, ये रहा उसका फोन नंबर, आईपी एड्रेस भी ढूंढ लिया है, वो इसी शहर में है। कॉल लगाओ। कनेक्ट करो सर। हेलो। ए, बहुत जिगर है तुझमें, पुलिस ऑफिसर का अकाउंट हैक किया। 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुझे, मेरे अकाउंट से उड़ाए 25 लाख रुपए चुपचाप मेरे अकाउंट में वापस कर दे। तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, अगर तुम में जिगर है तो मुझे डायरेक्टली अरेस्ट करके दिखाओ। खेल रहा है मुझसे? पल्ला भर में रहता है ना। आ रहा हूं मैं, घसीट के लाऊंगा तुझे। मैं पल्लावरण में हूँ, अपने साइबर क्राइम एक्सपर्ट से कहो स्क्रीन रिफ्रेश करें। फिलहाल मैं कहां हूं? पांडिचेरी। एक बार फिर से रिफ्रेश करो, मेरा लेटेस्ट लोकेशन बताओ। कडलूर। कोई आधे सेकंड में पांडिचेरी से कडलूर पहुंच सकता है? अब तक तेरी बेईमानी की कमाई उड़ाई, इस वक्त तेरी सैलरी के अकाउंट में कितना पैसा है? 2,44,435.25। फोन काटने तक हर सेकंड तेरे सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए कम होते जाएंगे। मजाक समझ रखा है?
Hey! तेरा बैलेंस कम है, फोन जल्दी काट। आज सेशन के लिए नहीं आए? हाय, कोमो तालेवू। क्या कहा? फ्रेंच था, फ्रेंच क्लास में एडमिशन लिया। लेकिन सेशन के लिए टाइम नहीं है। ये कोई जगह है सेशन लेने की? कितना शोर शराबा होता रहता है यहाँ, मूड ही नहीं बन पाता। तुम्हें सेशन ही लेना है ना, तो एक काम करते हैं, फॉर अ चेंज क्यों ना वॉक करते करते बात करें। थैंक यू। अच्छा बताओ, तुम्हारी दीदी कैसी है? तुमने उसे मेरे बारे में बताया ना? चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। गेम? क्विड प्रो को। वो क्या होता है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। और उसके बाद तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ? बड़े शौक से। ऑनेस्ट जवाब चाहिए? मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, अगर तुमने झूठ कहा तो मैं समझ जाऊंगी। मंजूर है, पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। कभी प्यार किया है? ये कैसा सवाल है? तुम्हारी शर्त क्या थी? कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए। शायद 12 बार कर चुकी हूँ। कौन? तुम? Of course. 12 बार प्यार किया है? चलो मान लिया कि सवाल बहुत बुरा था, पर तुम सीधा ना भी तो कह सकती थी। तुम 12 लोगों को डिच कर सकती हो, किसी ने गलती से तुम्हें डिच किया होगा तो वो इंसान गारंटीड दुनिया का सबसे पागल इंसान होगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, यकीन से कह सकता हूँ एक भी बार प्यार में नहीं पड़ी हो तुम। तुम साइकियाट्रिस्ट हो, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे गुस्से की असली वजह? कभी कबड्डी का मैच देखा है? बचपन से कबड्डी खेलते आ रहा हूँ, वायलेंस मेरे सिस्टम में घुस आ गया है, गुस्सा बनकर बाहर निकलता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? दो गोलकीपर होते हैं, एक विकेट कीपर और दो चार एक्स्ट्रा। इससे अच्छा रेसलिंग ही बोल देते। देखो मैं क्या करेगा, एक मिनट। ओके। तुम्हारी बहन को कोई शरीफ इंसान चाहिए या फिर उसे कोई रफ एंड टफ माचो इंसान पसंद आएगा मेरी तरह? मैं हफ्ते में 6 दिन एसी कैबिन के कंफर्ट में काउंसलिंग करती हूँ। वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, पब्लिक में वायलेंस करने वाले को मिनिमम 6 सालों की जेल करवाती है। ओ, तुम्हारी बहन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। सही है। उधार लेने वालों और देने वालों पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है ये बताओ। तुमने आज तक किसी से 1000 रुपए मांगे हैं? हाँ? कोई दोस्त भी देगा ना तो ऐसे दिखाएगा जैसे अपना कलेजा काट के दे रहा। पैसे देते हुए बहुत तकलीफ होती है, पैसा इज्जत से बढ़कर बन जाता है। एक गरीब आदमी 10 रुपए का रिचार्ज करवाता है तो टैक्स के 4 रुपए कट जाते हैं, अमीर आदमी 500 का रिचार्ज करवाता है तो फुल टॉक टाइम मिलता है। अमीरी और गरीबी में यही तो फर्क है। लोन देने वाला खुदा बनकर उधार मांगने वाले मजबूर इंसान को नीचा दिखाने लगता है। कभी उधार मांगती तो ये बात समझ में आती। पता है मेरे बाप की वजह से मेरा परिवार कितनी बार शर्मिंदा हुआ है? पिता के साए में बेटा महफूज महसूस करता है, मैं भी करता, लेकिन मेरा बाप खुद को बचाने के लिए मेरे मुंह से झूठ बुलवाता। उन्हें मत बताना मैं यहां पर हूं। ए रंगास्वामी, अरे क्या मर गया क्या रंगास्वामी? किधर है रे बाप, किधर है तेरा? पापा घर पे नहीं है। तो अपनी माँ को बुला, जल्दी बुला। क्या भाभी, रंगा किधर है? 6 महीना पहले उसने 5000 रुपए लिया था, उस दिन से देख रहा हूँ मेरे को देखते ही रास्ता चेंज कर लेता है। अरे पैसा मिलने की उम्मीद तो मैंने कब की छोड़ दी। अब देखो तुम्हारा मंगलसूत्र मेरे को छीनना नहीं है, इसलिए खुद ही उतार के दे दो। पर वो आखिरी बार नहीं था, वो आज तक नहीं बदले। मैंने दिल का ये पन्ना किसी के सामने नहीं खोला था। कमाल का गेम है तुम्हारा, खेल खेल में मुझसे सच उगलवा लिया। आओ मेरे साथ। यहां क्यों लाई हो? कुछ कहना था क्या?
सुकून महसूस हुआ। ये चिड़ियों की आवाज, ये सुंदर सा सनराइज, ये है प्रकृति जिसकी तुम कद्र नहीं करते। क्या नजर आता है ये जरूरी नहीं, जरूरी है हमारा नजरिया, हम उसे किस तरह से देखते हैं। क्या तुम अपने परिवार को मिस नहीं करते? उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, हर महीने पैसे भेजता हूँ। मुझे नहीं लगता पैसों के अलावा उन्हें मुझसे कुछ और चाहिए। ये तो अच्छी बात है। आज तक कितने पैसे कमाए होंगे? सच सच बताना, कभी मन नहीं किया कि लोन चुकाकर अपनी मम्मी का मंगलसूत्र वापस ले आऊं? एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अपने पापा से ज्यादा कायर हो। वो उधार वालों से भागते रहे और तुम अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहे। खुशियों की तलाश वहीं से शुरू करो जहां उन्हें खोया। अपने पापा से मिलो, जिंदगी से भागकर कहीं नहीं पहुंचोगे। उन्हें बताओ तुम उनके साथ हो, अपनी बहन के साथ समय बिताओ। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये ऑर्डर है। अगले 30 दिनों तक परिवार के साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद ही फॉर्म पे साइन करूंगी। मतलब गांव जाना होगा, ये भी कर लूंगा। मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या चीज हो। डेली फैमिली के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड करोगे, उसे देख के मैं लाइक करूंगी और 30 लाइक्स के बाद मैं पेपर्स पर साइन कर दूंगी। ओके, ठीक है, जैसा चाहोगी वैसा करूंगा। तुम्हारे लाइक्स के साथ साथ बहन को भी लाइक करने बोल देना, उसे भी तो पता चले मेरी फैमिली कैसी है। अभिमन्यु, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें जो मैंने अपनी बहन के बारे में बताया था ना, वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है। हा? क्या मतलब, कोई सरोजा देवी है ही नहीं? क्या कह रही हो, मैंने सीने पे उसका नाम टैटू करवा लिया था। दिख तो नहीं रहा, वो मेरे काले रंग के साथ मिक्स हो गया होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी कोई बड़ी बहन नहीं है, छोटी बहन तो होगी। सिर्फ बहन की बात नहीं है अभिमन्यु, मेरी कोई फैमिली ही नहीं है, और जिनका अपना कोई नहीं होता रिश्तों की अहमियत वही समझते हैं। तुमने गुस्से में आकर कह तो दिया कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, कल को अगर वो सच में नहीं रहे तो सहन कर पाओगे? अभी तुम्हें उनकी कोई कद्र नहीं है, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तब तुम्हें सिर्फ अफसोस होगा। आज ही अपने घर जाओ। अरे अटेंशन, बैंड शुरू करो। क्या तमाशा है, कौन है ये लोग? बेटा ये मेरे कुछ दोस्त हैं। क्या है, इन्हें पता चल गया है कि तुम आर्मी में हो। बस करो, फौज का नाम सुनते ही जोश में आ जाते हो। अरे कंट्रोल करो, फौज में तो बहुत मौज होती होगी ना। पूछो ना, पूछो ना। हाँ जल्दी पूछो। अरे लायक कि नहीं? अरे भाई धीरे रखो, अपने आप निकाल कर देगा। क्या चाहिए? अरे तुम आर्मी में हो, तुम अपने साथ जरूर लाए होगे आर्मी का वो स्पेशल खंबा, पेट्रोल। हम लोग उसे पेट्रोल ही कहते हैं। खंबा, रम। ये इस गांव के इज्जतदार बुजुर्ग हैं। अरे बहुत ही सुपर बुजुर्ग है, ये 73 का है तो वो 72 का है। अरे लेकिन मैं तो 75 का हूँ ना। मुंह पे लगाम दे। निकल रहा है। अरे ये क्या रंगू, तुमने तो हमें कहा था कि हमारे लिए पेट्रोल लेकर आएगा, लेकिन ये तो बच्चों जैसे बोल दे पा रहा है। क्या बोल रहे हो, गुस्से में खुद बम बन जाता है। चलो निकलो। चलो चलो। तो क्या खंबा नहीं मिलेगा क्या? उसको बुजुर्ग कहते हैं, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तुम्हारा कभी मत मिलना। जरा इस तरफ आना। मैंने इन्हें बहुत समझाया बेटा, बहुत ही बेकार लोग हैं, बात ही नहीं सुनते, मुझे भी मजबूर कर देते। फोटो लेना। किस लिए बेटा, सेल्फी ले रहे हो क्या? स्माइल करो। मुझे देख के नहीं, कैमरा में देख के। खम्बा बात में बेटा, बुरा तो बहुत लगा था जब तुम्हारी माँ से ये लिया, लेकिन मैंने कभी इसको बेचा नहीं, बल्कि पिघला कर इसका चैन बनाया। आपके 30,000 रुपए। धन्यवाद। ये मिलिट्री वाला पेट्रोल चाहिए था ना, इसे पीने की परमिशन सिर्फ आर्मी वालों को है। तुम्हें पता नहीं, मेरी आर्मी में था। आप आर्मी में थे? बचपन के खेल में। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। क्लास लाइए। लो, उम्र 55 की है। पूरा भरना 55 का है। चीयर्स। आज जितना मन करे पीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। शादी होने तक खुश रहो बच्चे। 30 रुपए के स्ट्रेस बॉल से उसने 30 दिनों में मेरी लाइफ बदल डाली। उसने समझाया कि प्रॉब्लम मेरी नजर में है। अरे सिंपल इलाज है, अपने नंबर का चश्मा पहन लो, फिर सब साफ दिखाई देगा। अरे वो नजर नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हमारी नजरिए पे डिपेंड करता है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं भी अंदर से इतना नर्म हो सकता हूँ। मेरी तो नहीं अप्पा। एक्चुअली ना उसने मुझे बताया कि ये क्या, एक राउंड में सबके सब टल्ली हो गए। टेंशन मत ले बेचारे, दूसरा राउंड में मारूंगा, अभी तो रात बाकी है। ओ माँ,
सर नारियल पानी पीजिए सर। ये कौन सी जगह है? मेरा फार्म है सर। सर कल रात को नदी के पास सो रहे थे, आपको वहां से उठा के लाया। मेरे साथ वो बाकी के लोग थे। वो तो कब के अपने घर चले गए। थैंक यू यार। सर आपसे पहले भी मिला हूँ। अच्छा आप सेल्वी के भाई हैं ना? हाँ मैं ही हूँ। हम 6 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं सर, हम शादी भी करना चाहते हैं। अंकल को पता है, उन्होंने मेरे पापा से भी बात की थी, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई सर, उस दिन के बाद से सेल्वी पूरी तरह से बदल गई। कहा कि हमारी आपस में नहीं जमेगी, आगे से मत मिलना। जब हम कॉलेज में थे तो मुझे बहुत डर लगता था कि ये बात किसी को पता ना चले, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली है सर। कहती है प्यार किया तो डरना क्या। सर अगर हमारी शादी नहीं हो पाई तो मैं तो दुखी होऊंगा ही, सेल्वी भी टूट जाएगी सर। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इसलिए सोचा कि आपसे बात करूं। सर इसमें मेरी मदद कीजिए। नाम क्या है? जी केशव। हे सेल्वी, मैं उस केशव से मिलके आ रहा हूँ। इतने सालों से एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? मुझे उसके बारे में बताया तक नहीं। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आपसे बात क्यों करूँ? बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। बड़े भाई किसके? कुछ दिन यहाँ रह के यहाँ खाना खा के मेरे भाई बन जाओगे? मेरे बारे में जानते क्या हो तुम? मैंने किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, कुछ भी पता है? 12 साल की थी तब आप चले गए थे। इतने सालों में आपने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। बिन माँ की लड़की कैसे बड़ी हुई कभी सोचा? कभी हमारी खबर ली? क्यों ना बताऊं? ना आप बताएंगे ना मुझे बताने देंगे। आप डरते होंगे अपने बेटे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको, आपके भेजे हुए पैसे से हम ऐश कर रहे हैं? देख लो हमारे हालात, देख लो कितने ऐशो आराम में जी रहे हैं हम। खुद गर्ज है आप। ए, सेल्वी, देखो तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। बताओ प्रॉब्लम क्या है? देखो इस कहानी की विलन केशव की माँ है। पता है उसने मुझे एक दिन अपने घर पे बुलाया। बहुत आलीशान घर था, रुद्दे वाला परिवार था, और उसने मुझसे कहा कि वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। किसी तरह से हाथ जोड़ के उसको मना लिया, पर उसे दहेज में 20 तोला सोना चाहिए था। एक गरीब भला इतना सोना कहां से लाएगा? मैंने अपनी असमर्थता दिखा दी। उसने कहा कि आप अपनी हैसियत का लड़का ढूंढो, और मुझे लगा कि उसने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। शादी नहीं करवा सकता था इसीलिए मैंने इसे लड़के के साथ भाग जाने के लिए कहा, पर इस पगली ने मना कर दिया। ठीक है, माँ बाप लालची है, लड़का तो अच्छा है ना, तो भागने में क्या प्रॉब्लम है? अगर भाग के ही शादी करनी होती तो मैं केशव के साथ कब का भाग जाती, लेकिन मुझे फैमिली चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी बिना माँ और भाई के बिताई है। इतने सालों तक पापा और मैं इन 4 दीवारों के साथ रहे हैं। परिवार क्या होता है कभी जाना ही नहीं, इसलिए परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। केशव अच्छा लड़का है, सेल्वी भी उससे प्यार करती है। एक बाप और भाई होने के नाते उसकी अगर ये इच्छा पूरी ना कर पाए तो आपका और मेरा होने का क्या फायदा? ऐसी बेतुकी इच्छाएं रखेगी तो और क्या होगा? कुछ बेतुका नहीं है, उसने बहुत सोच समझ के हमसे बात की है। आप सेल्वी के पापा हैं, मैं उसका भाई हूँ। उसने हमारे मुंह पे कहा उसका कोई परिवार नहीं है। ना आप मेरे आदर्श बाप बन पाए, ना मैं आपका अच्छा बेटा बन पाया, लेकिन सेल्वी के लिए एक अच्छा भाई जरूर बनूंगा। ठीक है, शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? अगर सही कहूं तो उनकी उम्मीद के हिसाब से 10 लाख लगेंगे। 10 लाख रुपए? माँ की जमीन बेचकर कितने आ जाएंगे? 4 लाख तक मिल जाएंगे। ठीक है, जमीन को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढिए, बाकी पैसा मैं लाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो कर्ज लेने से नफरत है? हाँ नफरत है, लेकिन फिर भी कर्जा लूंगा, वरना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब सबसे जरूरी बस सेल्वी की खुशी है, फिर चाहे खुद को बेचना भी पड़ जाए तो भी उसकी शादी करवा के रहूंगा। जाके उसे खबर दे दो। जाओ, तुमने भाई का फर्ज निभा दिया। अब बोला ना, जाओ। ठीक है। तुम्हारी फाइल कंप्लेंट से भरी हुई है, तुम एक काम करो, अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलो और उनसे कंप्लेंट वापस लेने की रिक्वेस्ट करो, उसके बाद ही तुम्हारा लोन प्रोसेस कर पाऊंगा। सर कंप्लेंट करने वाले ऑफिसर्स मेघालय, तेलंगाना, कश्मीर में पोस्टेड है, इन्हें ढूंढकर साइन लेने में मुझे 2-3 साल लग जाएंगे। सर प्लीज, मुझे ये लोन अर्जेंटली चाहिए। हाँ मामी, रूल्स चेंज नहीं कर सकते, बहुत जल्दी है तो किसी सिविल एंड बैंक में ट्राई करो। थैंक यू सर। मैं आई कम इन? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मेरे पेपर्स कहाँ हैं? तुमने साइन नहीं किया अब तक? तुम्हें बड़ी जल्दबाजी है।
क्या बात है अभिमन्यु, तुम तो बहुत बदल गए हो। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, पता चला है कि तुम अपनी बहन की शादी के लिए लोन ट्राई कर रहे हो। हाँ पर क्या फायदा, हर जगह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। टेंशन मत लो, रास्ता निकलेगा। तो आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो, अब शायद तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी, अभी मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कितने सारे बैंक्स में अप्लाई करूंगा और कितने बैंक मैनेजर्स मेरे हाथ से पिटने वाले हैं। अगर मैंने 3 मैनेजर्स को भी मारा तो पूरे साल तुमसे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ऐसा हुआ तो मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर मिलेंगे। सुनो, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल था, यहाँ एक मिनट रुकना भी बर्दाश्त के बाहर है, तुम इतने सारे केसेस कैसे हैंडल करती हो, वो भी बिना गुस्सा किए? बात क्या है? एक राज की बात बताऊं? तंग करने वालों को और गुस्सा दिलाने वालों को बच्चों की तरह ट्रीट करो, गुस्सा गायब हो जाएगा, करके देखो मजा आएगा। बाय बाय। पेपर तो ठीक है, लोन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी लगेगी। सर आर्मी तो खुद ही देश की सिक्योरिटी करती है, सिक्योरिटी करने वाले से सिक्योरिटी क्यों चाहिए? आपका कहना बराबर है, नो डाउट, मानो बिना सिक्योरिटी के लोन अप्रूव करता हूँ और कल को बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग हो जाए और दुश्मन की बुलेट या बॉम्ब से मर जाए तो किससे लोन वापस मांगूंगा? इसमें लॉजिक क्या है? आर्मी ऑफिसर्स पासपोर्ट नहीं रखते, ट्रांसफर्स की वजह से रेशन कार्ड नहीं होता, अगर ऐसे बैंक्स हमें लोन देने से मना कर देंगे तो हम किससे जाकर मदद मांगेंगे? मना कौन कर रहा है, लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दो। इस उल्लू से बात करने का कोई फायदा नहीं है भांजे, ये गटर जैसा मुंह बंद रख। जवान शहीद हो गया तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले लाइक देते हो, यहाँ एक जवान की मदद करने में नानी मर रही है, सिक्योरिटी चाहिए ना? हाँ। बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, अंदर भेजता हूँ। भिखारी को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? कैसा आदमी है ये, एक आर्मी ऑफिसर को ऐसे मना करते हैं क्या? अरे वो पागल है, छोड़ना, अपने पापा की फोटो दिखा, बुझा हुआ चेहरा देख के 1 मिनट में लोन मिलेगा। पूरे गांव से लोन लेकर रखा है, कोई एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। कौड़ी नहीं चाहिए, इन लोगों को प्रॉपर्टी का प्रूफ चाहिए। मेरी बहन का घर तुम्हारे पापा के नाम है, अगर वो राजी हो गए तो काम हो जाएगा। ऐसा होना पॉसिबल है? 100%। आ अरे जीजू जी आइए। अरे भांजे यहाँ आके देख अपने पापा को, बैंड बजाने को, साथ में तबला भी बजेगा। एक ही महीने में किशन से कन्हैया बन गए। मजा आ गया, डैशिंग लग रहे हो, गांव से खाली बैग लेकर आयो, किसी ने सामान तो नहीं उड़ा लिया? सामान लाता तो पैसे कहाँ रखता। ए भांजे अपने महान पापा को सुना, कैश ले जाना है इसलिए खाली बैग ले आए। कभी नहीं सुधरेगा तेरा मामा, सच सच बता, नए ड्रेस में हैंडसम लग रहा हूँ ना, बड़ी मुश्किल से उधार लेके खरीदा है, बाल भी काले करवाए, फेशियल भी करवाया है और अमीर दिखने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। फुल स्टाइल, फुल रुतबा। जब लड़के वालों से मिलने गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, कहा 10 लाख की क्यों, मेरा बेटा तो 20 लाख तक खर्च करेगा, उनकी बोलती बंद कर दी मैंने। तुम्हारी माँ के जमीन के 4 लाख अकाउंट में जमा करवा दिए और तुम चाहो तो पासबुक में एंट्री भी देख सकते हो। देखो तुमने 6 लाख देने का वादा किया था, कैश दे दो तो इसमें जमा करवा देता हूँ। जैसे दही जमाते हैं। सच बताओ तुमने पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? उसका श्री गणेश कर दिया है। कागज तो हटाओ। क्यों? उम्र कितनी है? लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया ना, उम्र बताओ अपनी। जी 40। इतने के लगते नहीं, इम्पोर्टेड डाई लगवाया है, अगर उम्र 60 साल बताऊंगा तो लोन दे देंगे। कॉमेडी अच्छी कर लेते हो। सर वो फाइल दे दीजिए। गोल्ड लोन हो तो आराम से लोन मिल जाएगा, चाहे कार के लिए लोन ले लो, फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब के लिए मिलेगा। बैंक है या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान? सर पर्सनल लोन चाहिए। बैंक की पॉलिसी है 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को किसी भी तरह का बड़ा लोन देने की पॉलिसी नहीं है। आप अभी तक इस नौकरी पर टिके कैसे हैं? सिर्फ खाल और बाल से बूढ़ा है, जवानी तो अभी चढ़ी है इसे। कितनी पेंशन मिलती है आपको? पेंशन नहीं है लेकिन टेंशन बैग भर के, ये एक फार्मर है। हम फार्मर्स को लोन नहीं देते। आपने सुना नहीं, जय जवान जय किसान? ये बात नहीं है, ये एक प्राइवेट बैंक है, आप सरकारी बैंक में जाइए, वहाँ आपको लोन मिल जाएगा। अपना फोन नंबर दो ना, मेरे भांजे को मामी चाहिए। सिक्योरिटी किसी और से ले लेंगे। इतना लोन चाहिए तो प्राइवेट बैंक में जाओ, किसी सरकारी बैंक में चले जाइए, आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ 1 साल से। सॉरी सर, इसके लिए आपको नेशनल बैंक में जाना। अरे यहीं पे क्या, दुनिया के किसी भी बैंक में लोन नहीं मिलेगा। लोन चाहिए हमारी बैंक में आइए, लो इंटरेस्ट में लोन लो। एक सिगरेट दे। कमाल है, इतना टेंशन है और तुम सिगरेट पी रहे हो, मैं चलता हूँ।
इसके बाप के लिए लोन और इसके लिए मामी, दोनों बहुत मुश्किल है। मामा बाहर में जाना होगा ना, जाइए। अपने बुढ़ऊ का ख्याल रखना। थैंक यू। ओके हाँ, क्या अंकल? हाँ लोन चाहिए? हाँ चाहिए। कितने का? 6 लाख का। 6 लाख घर के लिए या गाड़ी के लिए? दरअसल मुझे पर्सनल लोन चाहिए। क्या सर, 6 लाख का लोन ऐसे कैसे मिलेगा? अरे लोन लेने का अपना एक प्रोसेस होता है सर। सर इतने एडवाइस नहीं चाहिए, अपना काम कीजिए। अरे सर यही तो मेरा काम है, मैं करवा दूंगा ना। प्राइवेट फाइनेंसर नहीं चाहिए सर, इसी बैंक से दिलवाऊंगा। कैसे? आइए तो कमाल दिखाता हूँ। सर आजकल पर्सनल लोन कौन देता है? पर्सनल लोन्स पैसे देने और लेने वाले के विश्वास पर डिपेंड करता है। दुनिया में ट्रस्ट कहाँ रह गया अब? अरे सर आपको कार खरीदना है तो लोन मिलेगा, अगर घर खरीदना है तो लोन मिलेगा, एसी फ्रिज टीवी सबके लिए लोन मिलेगा, पर इंसान के लिए कोई लोन नहीं देने वाला। लोन अमीरों को ही मिलता है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं। वाह। मैनेजर से कहना अम्बत्तूर में आपकी जेरोक्स की दुकान है जिसे आप साइबर कैफे में बदलना चाहते हैं, उसके लिए 40-50 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। 6 लाख का बिजनेस लोन अप्लाई कीजिए, फटाक से मिल जाएगा आपको। लेकिन वहाँ हमारी कोई दुकान है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि नहीं है, ये तुम्हें पता है और मुझे पता है, मैनेजर को थोड़ी पता है, बस उसे एक डॉक्यूमेंट चिपकाना है। कॉफी है? हाँ सर कॉफी है। एक उनको दो। ये लक्कड़ डालिए ना। डॉक्यूमेंट्स मैं अरेंज कर दूंगा, फिर वो साइट देखने आएगा। अम्बत्तूर में एक जेरोक्स वाले दुकानदार को पटा लेंगे, साइट देखने के बाद डॉक्यूमेंट साइन होते ही लोन सैंक्शन हो जाएगा। फिर बचेगा ही क्या, घर पे आराम से बैठो और ईएमआई भरते रहो, दोनों पार्टी खुश। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं लग रहा है। क्यों सर, झूठ बोलने में तकलीफ है? ईमानदारी का रिजल्ट देखा ना, किसी ने लोन दिया क्या? सर आपको शादी करनी हो, इलाज कराना हो, अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना हो, इन सब कामों में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। अब पापा का सोचिए, एज हो रही है, कितने बैंक्स में और धक्के खाएंगे। अरे गौर करो सर। नहीं सर ये गलत लग रहा है। अभिमन्यु रुकना बेटा, एक मिनट रुक, यहाँ आओ। क्या है पापा? ऐसा गोल्डन चांस कहाँ मिलेगा, इसे हाँ कह दो। पागल है क्या, वो फ्रॉड करने के लिए कह रहा है। देखो हमें पैसों की बहुत जरूरत है, वैसे भी हम लोग इंटरेस्ट तो चुकाएंगे ही ना। देखिए मेरा दिल इसके लिए नहीं मान रहा है। शादी के लिए लोग 1000 झूठ बोलते हैं और तुम एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते? उम्र हो गई है आपकी, झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? देखो बेटा बैंक के चक्कर लगा लगा के 1 हफ्ता हो गया, क्या मिल गया? वो लोन दिलवा रहा है ना, सेल्वी की शादी की आखिरी उम्मीद है। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी बेटा, किसी तरह लोन मिल जाए तो शादी हो जाएगी बेटा, तुम इतना मत सोचो। चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ बैठो। क्या डिसाइड किया? ठीक है हम तैयार हैं। सुपर सर, किसके नाम से चाहिए? पापा के नाम से, रंगस्वामी। देखो 3 फोटो लगेंगे, एक अभी के लगेंगे, एक 2 साल पहले के, एक 4 साल पहले के, तीनों पासपोर्ट साइज, सब में अलग अलग दिखने चाहिए। लोन गारंटेड 101%। थैंक यू सर। थैंक्स क्यों, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, 10% लगेंगे। क्या हैरान क्यों हो रहा, मेरा आइडिया है, सिर्फ 10% ही मांग रहा हूँ, सिर्फ 60,000 होंगे, सोच लो। लेकिन अरे अभी नहीं चाहिए, जब आपके बैंक में 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बाद मेरा 60,000 रुपए दे देना बस। ठीक है सर। पर हाँ एन मौके पे पलट मत जाना। अरे सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते। तब ठीक है, भगवान का शुक्र है लोन अप्रूव हो गया। बैंक का मैसेज आए तो बता दीजिए। क्यों खुश तो बहुत हो गए? मुझे बहुत खुश हूँ। अपना आईडी डिजिट में लोन पास हो गया, काम हो जाएगा। वेलकम सर, सब ओके ना? अरे लोन पास हो गया। थैंक यू सर। याद है ना, थैंक्स नहीं चाहिए, मेरा 10% और कुछ नहीं। कैश चलेगा? सिर्फ चेक। हरे कृष्णा। बेटा तुम जिंदगी भर खुश रहो। अरे आपकी खुशी मेरी खुशी। ये लीजिए। हाँ करेक्ट स्पेलिंग है, संभाल के रखना। थैंक यू। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। थैंक यू सर। जीजू गौर से देखो, इसे कहते हैं एटीएम मशीन। इसमें तो वोटिंग मशीन से भी ज्यादा बटन है। हाँ, एटीएम मशीन और वोटिंग मशीन में सिर्फ एक ही फर्क है, एटीएम मशीन में यहाँ बटन दबाओ, यहाँ पैसा निकालो। हाँ, और वोटिंग मशीन में पहले पैसे लो फिर बटन दबाओ। बहुत पहुंची हुई चीज हो। अरे इलेक्शन में वोट देना तो मेरा कर्तव्य है भाई। हाँ। अरे ले गया पूरा ले गया। सब्र करो सब्र करो। हाँ? हाँ, इसमें एक पिन नंबर टाइप करना है। पिन नंबर 4648। हाँ? और ये नंबर किसी को नहीं बताना। हाँ, समझ गए तो प्रेस करो 4648। 4 बार दबाना है ना? एक बार, दो बार, तीन बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 पहाड़ा लिख दो इसमें। क्या हो गया? सठिया गए हो तुम, कैंसिल करो इसे। हाँ कर दिया। हाँ 4648 अब बस दबा दो। 4648 ना? हाँ जीजू। अरे अजीब कदे आदमी हो, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ 4
छः चार आठ, हरा बटन दबाओ, ये ग्रीन वाला ना। हाँ। देखा तुम्हारा नाम आ गया। अरे वाह रंगा स्वामी, आपको कितने पैसे निकालने हैं? 25,000। हाँ ये देखो 2500। हाँ कैश गिनने की आवाज आ रही है ना, कैशियर अंदर है क्या? पैसे निकालो नहीं तो खा जाएगी। आया आ गया आ गया, ताली बजाते रहो, पैसा वापस चला जाएगा, फिर क्या करोगे? अरे वाह गिन लेता हूँ जरा। अरे अरे फोन बजा, एक बार देख लेता हूँ कोई मैसेज है, जरा पढ़ना। अभी पैसा निकाला ना? हाँ निकाला। जब पैसा निकालोगे उसका मैसेज आएगा? जब भी निकालूंगा। हाँ जीजू। कमाल है भाई ये सब होता कैसे है, समझ में नहीं आ रहा। भांजे लोकल कैटरर्स किसी काम के नहीं होते, अपनी जान पहचान के महाराज को बुलवाएंगे, वो ऐसा खाना बनाएगा कि लोग उंगलियां चम्मच सब चाट जाएंगे, कैसी रही? ठीक है मामा। पापा क्या हुआ बेटा? एटीएम जाके 5,000 कैश लेकर आइए, एडवांस देना है। अभी जाता हूँ। जीजू आप कहें तो मैं साथ में चलूं क्या? क्यों तुम्हें क्या लगता है मुझे अपना पिन याद नहीं है? अरे मुझे क्या उल्लू समझा है, मुझे अच्छी तरह से याद है पिन नंबर 4648। अरे किसी को नहीं बताऊं। इनसे कोई नहीं जीत सकता, गॉगल्स पहन के गड्ढे में मत गिर जाना। आवाज नहीं। इनको तो फिल्मों में काम करना चाहिए, स्टाइल देखो। बोलो ना कहाँ हो तुम, अभी तक वहीं हो? पापा आज निकलने ही वाले, मैं परसों निकल जाऊंगा। मन तो कर रहा है कि शादी अटेंड करो, लेकिन शादी अटेंड ना भी करो तो चलेगा, रिसेप्शन पर जरूर आना। अच्छा मुझे यकीन है मेरी फैमिली तुम्हारी फैन हो जाएगी, कहीं वो तुम्हें मेरे लिए पसंद ना कर ले। वैसे भी अगला नंबर मेरा ही है, दोस्त रिश्तेदार घर वाले तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे तो बेकार में फंस जाओगे। रिश्तेदार और मेहमान सिर्फ खाने पर ध्यान देंगे भांजे। जहाँ तक शादी की बात है तो पहले मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मैं तेरे से बड़ा हूँ, कब तक मैं इन बर्तनों के साथ रोमांस करूँगा? ये कौन है? वो क्रॉस कनेक्शन लग गया, पेशेंट आ गया है, बाद में फोन करती हूँ। इतना बड़ा हाँ, है 12 नंबर के जूते आते होंगे, जूते का साइज पूछ रहा था। मेरी नाक, मेरा भांजा मेरी स्मार्टनेस से जलता है। किसी जिम शिम में जाए, बॉडी शॉडी को बनाए, आर्नोल्ड सुभाष नगर बनूंगा मैं, चार बोतल सोडा, काम मेरा रोज का, डिंचक 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 डिंचक, ए मामा क्या कर रहे हो? यही देखना बाकी रह गया था। मेरे प्यारे भांजे मैं हॉट कोल्ड योगा से बॉडी बना रहा हूँ। वैसे पापा को गए बहुत देर हो गई। क्या कहा, अब तक एटीएम से नहीं आए? मैंने कहा था मैं आपके साथ चलता हूँ, गॉगल पहन के गड्ढे में गिर गए होंगे, उनकी याददाश्त चली गई होगी। पहले आदमी वाले कपड़े तो पहन लो। मैं एक सेकंड में हैंडसम बन के आता हूँ। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका। पापा कहीं भी फोन भूल जाते हैं। फोन कहाँ रह गया मेरा? पापा आपका फोन। अरे बेटा इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। कहाँ भूल जाते हैं ये, लाओ ये लीजिए, मैं जरा जाकर आता हूँ। अरे बेटा लगता है मेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया है। खराब हो गया? हाँ बेटा। ये कोई फल है जो खराब हो जाएगा? नहीं फल तो नहीं, ठीक से यूज नहीं किया होगा। ठीक से यूज किया था बेटा। साथ में चलते हैं। क्या होगा? बैठिए। हाँ संभाल के चलाना बेटा। देखो इसको इस तरह से अंदर डाला और फिर निकाल लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पिन नंबर डाला बेटा। एंटर कीजिए। 4648। रंगस्वामी कौन है? अपने बाप को नहीं जानता? तो बताइए क्या करना है? अमाउंट डालना बेटा। कितना? 5,000। एंटर कीजिए। 5, 50, 500, 5,000। इनसफिशिएंट बैलेंस। यही यही बोलती है मैडम बार बार। जरा कार्ड देना, हटो। चार छः चार आठ। अरे उस वक्त ऐसी एक पर्ची निकली, कहा ना कार्ड में खराबी है, इसे बदलवा देते, चेक करके देना चाहिए था। हद करते हैं लोग। देखो बेटा बैंक में जाकर पूछते हैं। हाँ चलो, बकवास मशीन है, 3 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा। सर बोलिए। सर ये मेरे पापा हैं, इनके अकाउंट से 10 लाख रुपए मिसिंग है सर। ये क्या बात कर रहा है बेटा, कार्ड खराब है, ये कैसे हो सकता है? पैसे गायब हो गए? अकाउंट से निकालने के बाद किसी ने आपसे पैसे छीने क्या? नहीं नहीं सर, पैसे डायरेक्टली अकाउंट से गायब हो गए। अकाउंट से कैसे गायब हो सकते हैं? अपना अकाउंट नंबर देना। 8747298472। एक मिनट स्टेटमेंट चेक करने दो। इन्होंने कहीं पर खर्च किए हैं, ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए।
सर इसमें जो ट्रांजैक्शन है उसमें से एक भी हमने नहीं किया है सर। पैसे निकाले गए हैं सर आप ही के अकाउंट से। सर आई एम वेरी श्योर सर इतने सारे ट्रांजैक्शन इम्पॉसिबल है सर। सर ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और किसने किए होंगे? सर मेरे पापा को इंटरनेट वगैरह यूज करना नहीं आता है सर। किसी और को यूजर आईडी या पासवर्ड आपने दिया था? मैं ये सब नहीं जानता सर। 4648 ये दबाना है बस इतना ही जानता हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम कार्ड यूज किया है। ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है आपके अलावा आपका अकाउंट और कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सर इन विड्रॉल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था सर। एक काम कीजिए आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए और एक FIR कॉपी मुझे दीजिए। हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे। देखो बेटा मैंने एक पैसा नहीं निकाला। वो आदमी एकदम सफेद झूठ बोल रहा है बेटा। अरे वो दुकान कहाँ गई बेटा? भाई साहब यहाँ पर एक स्टॉल था ना वो आदमी कहाँ चला गया? उसने एक महीना पहले स्टॉल लगाया था पर दो दिन से गायब है। बैंक का आदमी कह रहा था पुलिस में कंप्लेन करो जाकर। पापा आप जरा शांत हो जाइए बस पकड़ के घर चले जाइए मैं कुछ करता हूँ। जैसा तुम कहो बेटा। अभिमन्यु बोलो। सुना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बताओ क्या बात है? अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए। अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए? हाँ यार मैं एक अकाउंट नंबर देता हूँ जरा उसका डिटेल्स निकालेगा प्लीज। कोशिश करता हूँ। अकाउंट नंबर बताओ। 00123। हाँ 01234821। ओके ये क्या? ये अकाउंट तो ब्राजील में है। ब्राजील? हाँ किसी कंप्यूटर डीलर का है। ठीक है उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर देना। ठीक है मैसेज करता हूँ। हाँ भेज दे। पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? कस्टमर सर्विस के लिए एक दबाएं। ये ब्राजीलियन अकाउंट है मेजर हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए दो दबाएं। पुलिस के पास जाने से वक्त जाया होगा उससे कोई फायदा नहीं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए तीन दबाएं। अभिमन्यु मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा ACP हैं उनसे मिलेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कस्टमर सर्विस में फोन करने के लिए धन्यवाद। अपनी जेरॉक्स शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे कंप्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था am I correct? हाँ सर। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट से कंप्यूटर्स खरीदे गए। सर बात यह है कि स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई ब्राजीलियन कंपनी है। जब वहाँ फोन किया तो अजीब सा रिकॉर्डेड मैसेज मिला। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है इसलिए आपके पास आ गए। ठीक है कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स और गायब हुए पैसे दोनों ब्राजील में ट्रेस हुए हैं। तुमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा एड्रेस डाला था? अम्बत्तूर सर। अम्बत्तूर में वाकई तुम्हारी कोई दुकान है क्या? नहीं सर। इस केस में सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो। सर तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं यानी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है और अब झूठी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आए हो। इन चार चार्जेस के अंडर तुम जेल जा सकते हो कम से कम एक साल अंदर। चलेगा तुम्हें? अंकल तुम ही सोचो बेटी अगर एक अनजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है तो उसे सारे पर्सनल डिटेल्स दे दोगी? नहीं दोगी ना। देखो तुम रति के साथ मेरे घर आए हो इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर यही बात लेकर पुलिस स्टेशन आते तो तुम जैसे फ्रॉड को मार मार कर लॉकअप में डाल देता। हर दिन ऐसे केसेस देखता हूँ वो सब आम लोग हैं। तुम तो आर्मी ऑफिसर हो अकल क्या घास चरने गई थी? अंकल ये बात को समझो ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते अनऑफिशियल काम मैं नहीं करता। अब जा सकते हो। ए, एक बात और EMI चुकाने में चूक नहीं होनी चाहिए। एक भी इंस्टॉलमेंट चूका तो बैंक वाले पहुंच जाएंगे और अगर उन्हें पता चला कि दुकान तुम्हारी नहीं है तो चक्की पीसोगे। अब हालत ऐसी है कि सेल्वी की शादी भी नहीं कर सकते ना ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। इन्विटेशन कार्ड भी छप चुके हैं। उस एजेंट की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी हमने मामा। अभिमन्यु हिम्मत मत हारो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पैसे मिल जाएंगे चिंता मत करो भांजे। बेटा किसी और बैंक में चल के 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। चलो सिर्फ 10 लाख ही क्यों 30 का लोन लेते हैं। 30 क्या 1 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं क्या इंसान है? अपनी इज्जत अपना जमीर सब बेच कर खा चुके हैं आप। मैं जानता हूं आपका ये लोन चुकाने का बिल्कुल इरादा नहीं है लेकिन मैं इसकी आखिरी पाई तक चुकाऊंगा। अरे किस मुंह से किसी के आगे जाके हाथ फैलाएंगे आप?
ऐसे ही दुनिया भर से उधार मांग मांग के मेरी जिंदगी खराब कर दी आपने। क्या कर रहा है? उधार तो मांग लेंगे, जब लोग पैसे मांगने आएंगे तो चूहे की तरह छुप जाएंगे, पकड़े गए तो शर्म से सर झुकाएंगे। मैंने आपको तब भी समझाया था, लोन के लिए झूठ मत बोलिए, मत बोलिए। आप इसके जिम्मेदार हैं, आप ही की वजह से हुआ ये। गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया मुझे उस एसीपी ने, आज आपकी वजह से फ्रॉड कहा है मुझे। आप तो उम्र भर बेइज्जत होते रहे, लेकिन आज आपने मुझे बेइज्जत करवाया। शाबाश पापा, अपनी तरह मेरी भी गर्दन झुका दी। बस भी कर, उधार ले लेकर मेरी माँ को मार दिया आपने, आज मेरी आत्मा भी मर गई है, एक दिन मेरी वो बहन भी मर जाएगी। ये क्या कर रहा है? हम सब मर जाएंगे, लेकिन आप उधार लेते रहिएगा। जाइए जाइए पापा। पापा अगर आप नहीं गए तो मेरा हाथ उठ जाएगा। भांजे तू अभी मनियो को अवे। भांजे नहीं, निकल जाइए। उस फ्रॉड से मैंने 6 लाख रुपए लिए, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी के वो 4 लाख रुपए मेरी मां ने दिन रात सिलाई करके कमाए थे, उन्हें वापस लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। कहां जा रहे? वो लोन एजेंट हरी है, ये उसका नंबर नहीं है, किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। कंपनी? कौन सी कंपनी? ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, वडापल्ली एरिया में। भाई साहब, यहाँ ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कोई कंपनी है? कभी सुना नहीं, पिछले 5 साल से इसी बिल्डिंग में हूँ, इस नाम से तो कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे। अल्बर्ट, हाँ कंपनी का एड्रेस गलत निकला, तुमने कोई सीयूजी की बात की थी, देखो कोई और नंबर एक्टिव है क्या। एक मिनट बता दो, 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक नंबर एक्टिव है। एक्टिव है? हाँ। मुझे जरा उसका एड्रेस बताना। ट्रिप्लिकेट टावर नंबर 6874। ओके थैंक्स। लोन दिलाने के लिए थैंक्स भाई। यार थैंक्स का चार थोड़ी डालना है, 10% का कट चाहिए मुझे, 8 लाख का लोन है तो कमीशन हुआ 80,000। कैश नहीं चाहिए, सिर्फ चेक लेता हूँ। 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, एक अभी का चाहिए, एक 2 साल पहले का और एक 4 साल पहले का। डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है? ठीक है भाई। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, हैं? कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी। आप मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? चल फोन उठा उठा, बात कर। हेलो, देता हूं सर आपके लिए। अपने भाई से बात की? हाँ बात की मैंने। सेल्वी, लगता है शादी के पैसों का इंतजाम हो गया है। इतना तड़पाया है मुझे, अब सुहागरात दूर नहीं है। अच्छा जी, क्या करोगे मेरे साथ? कहो तो अभी बता दूं। जी, तुम भी ना। दो मचलते जवां दिल, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कोई सुन भी रहा है। वो ना गलत है और ना ही उनकी बातें और ना ही मेरा सुनना। यहां कोई गलत है तो एक इंसान और वो हो तुम। उसका गिरेबान छोड़,
Looks like a good boy. उसे फिर से हाथ लगाया तो तुम्हारी बहन की बात वायरल कर दूंगा। कोई होशियारी दिखाई तो बहन के फेसबुक वॉल पे लिंक पोस्ट कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है वेल को पकड़ना इतना आसान है? तुम मेरे लिए सिर्फ एक नंबर हो। नंबर बने रहो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मेरे लिए खतरा बनोगे तो तुम्हारा भी। एग्जैक्टली यही अंजाम होगा। भांजे? बोलो मामा। घर पहुंच गया? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं अभी तक बार में हूँ। कल तूने पापा को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उनका ख्याल कौन रखेगा? हम लोग बेचारे, कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पापा खाना खाते हैं। पापा चलिए खाना खाते हैं। अब रोने का क्या मतलब है? मानता हूं मुझे कल गुस्सा आ गया, पर उसे दिल में रखोगे क्या? मैं सिर्फ नाराज हूं आपसे, नफरत नहीं करता। अब गुस्सा शांत हो गया, पैसे ही तो हैं, भूल जाइए उसे। आपका बेटा हूं, आपको दुखी नहीं देख सकता पापा। मुझे माफ कर पाओगे? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? चलिए चलकर खाते हैं। नहीं। क्यों पापा? जहर पी चुका हूं। क्या कहा आपने? मैंने जहर पी लिया है बेटा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तुम्हें कोई शिकायत? पापा खून निकल रहा है। पापा क्या हो गया आपको? पापा पापा बेटा दिमाग है या नहीं आप में? ऐसे ही बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कौन लेता है पापा? तू पूछता था ना बेटा, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं। सच कहूं तो नहीं, तू शायद जानता नहीं बेटा, तेरी मां जब बीमार थी डॉक्टर ने कहा एक साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी वो। तुम और तुम्हारी बहन बहुत छोटे थे, कैसे कहता तुमसे कि एक साल में तुम दोनों बिना मां के हो जाओगे। बेटा मैंने हर अरे गहरे नत्थु खैरे से पैसे मांगे, जानता था कि उन सब का उधार मैं नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारी मां का इलाज करवा के किसी तरह जिंदा रखा, 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। कर्ज मांगने की एक यही वजह थी, यही बात थी जो तुम्हें पता नहीं थी बेटा। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किसी के भी पांव में गिरने को गिड़गिड़ाने को तैयार था, जितना पैसा मिलता ले लेता। हिम्मत मत हारना, मैं हूं बेटा, तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाइए, चाचा आपको बात करने से मना किया था ना। अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, आराम करना है आपको। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, हम है ना सेल्वी, घबरा मत। भैया पापा कैसे हैं? अभी ठीक है। मैं मिल सकती हूँ? सो रहे हैं अभी। ठीक है, कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। पापा अभी सो रहे हैं, मैंने उसे जहर वाली बात नहीं बताई है, तुम भी मत बताना प्लीज। एक सेकंड सेल्वी, जरा अपना फोन दो, मैं बाद में बात करती हूँ।
मेजर, ये फोन तकरीबन 10 मिनट से स्विच ऑफ है, मगर इसकी बैटरी अभी तक गर्म है। मतलब इसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है। इस फोन इज हैक्ड। मेजर फोन दीजिए जरा, अपना नंबर बताइए। 8939220874। देखिए आपको मैंने कॉल किया है, अब ठीक 3 गिनते ही आपका फोन डिस्कनेक्ट होगा। 1 2 3, यानी आपका सिम कार्ड भी हैक्ड है। ये हैकर आपके कॉल सुन सकता है और आपका डेटा भी पढ़ सकता है। इस हैकर को ट्रेस करने का कोई तरीका है? असली हैकर वही है जिसे ट्रेस ना कर सको। आज हर इंसान स्मार्टफोन रखता है, हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और परमिशंस पे अलाउ 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 कर देते हैं, और उन्हीं ऐप्स की मदद से हैकर्स हमारे फोन पर कब्जा कर लेते हैं। मेजर, आपको जरूर कोई एम्प्टी मैसेज आया होगा, मुमकिन आपको याद भी ना हो। जैसे ही आपने इसे ओपन किया होगा, फोन की सारी इन्फॉर्मेशन, SMS, फोटोग्राफ, मेल, कैमरा, रिकॉर्डेड वॉइस, सब कुछ हैक हो गया होगा। क्या इन्हें रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है? सिर्फ एक तरीका है, स्मार्टफोन यूज करना ही छोड़ दीजिए, वो आपका GPS ट्रैक करेगा। अपने पापा का बेसिक फोन यूज कीजिए, उसमें कोई ऐप नहीं होगा, ना हैक कर पाएगा ना आपको ट्रैक कर पाएगा। सेल्वी का फोन हैक किया वो तो समझ में आता है, उसे पता कैसे चला कि सेल्वी मेरी बहन है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सब कुछ तो तुमने खुद ही उसे बता दिया। मैंने उसे बताया? अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो, ये देखो 1 महीने में 30 फोटो अपलोड किए, विथ माई सिस, विथ माई डैडी, पूरी फैमिली एल्बम इंटरनेट पे अपलोड कर दी। एक बात बताऊं भांजे, पिछले महीने अपने शहर की एक लड़की किडनैप हुई। ये क्यों और कैसे हुआ? बच्चे की मॉर्निंग उबासी, उसकी माँ उसकी सेल्फी लेती है, नहलाते समय, स्कूल छोड़ते समय, लाते समय, एग्जैक्ट टाइम के साथ, कौन सी आइसक्रीम पसंद है उसकी भी सेल्फी अपलोड करती है। किडनैपर ने प्रोफाइल चेक किया, उसे पता था 12 बजे आइसक्रीम का टाइम है, बच्ची को उसका फेवरेट आइसक्रीम देके उसे उड़ा के ले गया। अपनी सीक्रेट्स लोग खुद ही बताते हैं और फिर शिकायत करते हैं। अभिमन्यु, इसे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम वसंत है सर। पिछले साल मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, और वैसे भी हमारे देश में मेडिकल लोन नहीं मिलता, 50 साल से ज्यादा एज वालों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। लोन के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कराने पड़े सर। जिस दिन उन्हें एडमिट करवाया, किसी ने बैंक से पूरा पैसा निकाल लिया। खोए पैसों का अफसोस नहीं है सर, मैं बस अपनी माँ को नहीं बचा पाया, अब कर भी क्या सकता हूँ सर। मैडम के यहाँ काउंसलिंग के लिए आया था, उन्होंने बताया कि आपने भी ये सब फेस किया है, पता नहीं और कितने लोग ऐसे शिकार होंगे। चलता हूँ सर। इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराना चाहिए अभिमन्यु? ये तो खुद को दोषी मानता है। तुम उसकी तरह एक आम नागरिक नहीं हो, तुम तो एक सोल्जर हो। अब तक खुद के बारे में सोच रहे थे, फिर फैमिली की परवाह करने लगे। जब उन पर कोई आंच आई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और निकल पड़े सबसे बदला लेने के लिए। आज पूरा समाज खतरे में है, उनका क्या? उनके बारे में नहीं सोचा? इंसाफ के लिए लड़ो अभिमन्यु। एक ईमेल मिला, वहाँ पे लिंक में लिखा था कि मैं 5 लाख का इनाम जीता हूँ। जब लिंक पे क्लिक किया तो किसी फॉरेनर ने मुझे कॉल किया, उसने कहा इनाम घर पर पहुँच जाएगा, बस एयरपोर्ट पर 5,000 की कस्टम ड्यूटी भरो। उधार लेके मैंने पैसे जमा करवाए, फिर पता चला कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट पे है ही नहीं। एक झटके में सारा पैसा चला गया, ना ही कोई इनाम मिला। पिछले 5 सालों से पोस्टमैन पेंशन मेरे घर पहुँचाता था, पिछले 1 साल से जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो कहा कि पैसा बैंक में जमा होगा और मुझसे साइन करवा लिए। अब कुछ दिन पहले मैं जब पेंशन ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि बैंक में जाओ, और जब बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे ही नहीं है सर। तो बताओ आखिर मेरा पैसा गया कहाँ? सर, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात लोगों के यहाँ काम करके 3 लाख रुपए जमा किए थे मैंने। फीस भरने के लिए जब बैंक से पैसे लेने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे नहीं है, किसी ने मेरे ATM कार्ड से पैसे निकाल लिए। पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डाले थे लेकिन वहीं से चोरी हो गए। जितनी ATM सर्वर मशीन्स हैं, उनका एक स्विच होता है। ATM में जाके जब आप अपना पिन नंबर दबाते हो, उसके बाद आपका बैंकर स्विच ओपन करके आपके डिटेल्स चेक करता है। उसी गैप में ये कमीने चोर छोटी छोटी रकम को चुरा लेते हैं। हमें लगता है कि बैंक हमसे छोटे मोटे टैक्स चार्ज कर रही है तो गाली देके उसे भूल जाते हैं। पहले के जमाने में तो सिर्फ इंसान ठगे जाते थे सर, लेकिन आज तो कंप्यूटर और मशीन को भी लूटा जा रहा है। इस देश को लूटने वाले किसी और देश में छुपकर बैठे हैं, उन्हें नहीं पकड़ सकते। आप अपना काम करो सर। इस तरह से काम नहीं होगा भांजे, कोई और रास्ता निकालना होगा। चलो चलते हैं। क्या हाल है? मुझे तो लगा तू बार्सिलोना में सेटल हो गया रहेगा, पर तू इस बेवड़े के साथ यहाँ क्या कर रहा है? आगे दिमाग चट। एक्चुअली मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? अकाउंट से पैसे चोरी हो गए। कितने का चुना लगा? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे भाई दिमाग में घंटी बजी है, जरा इस तरफ बताता हूँ। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ,
मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हमारे कई सारे कस्टमर्स ने 30 से 40 हजार रुपए गवाए हैं। चाह के भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। बैंक के कंप्यूटर सिस्टम की रिपेयरिंग का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिची स्ट्रीट के सलमान को दे रखा है, वो कुछ कर सकता है। थोड़ी सी फीस के बदले सिस्टम में झोलझाल से अमाउंट वापस ला सकता है। अमाउंट 10 लाख है मत बताना, डर जाएगा, उससे 50 हजार बोलना। रिची स्ट्रीट में जैसे एंटर होंगे लेफ्ट साइड में तीसरी दुकान है, सलमान सिस्टम एंड रिपेयर सर्विस, कहना कि मैंने भेजा है। हमें सलमान से मिलना है। हाँ, मैं ही सलमान, हमें ज्ञान कुमार ने भेजा है हमारे अकाउंट में से। एक सेकेंड छोटू, दुकान संभाल। हाँ भाई। देखो ऐसी बातें हम बाहर नहीं कर सकते, हर किसी को बता नहीं सकते ना। कितना अमाउंट है? 50 हजार रुपए। 50 हजार? ये तो बड़ा अमाउंट है। मेरे आदमी ने किया होगा तो 35 हजार वापस मिल जाएंगे। लेकिन बात तो 50 हजार की है और तुम हमें सिर्फ 35 हजार दोगे? शुक्र मनाओ इतने तो मिल रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े ना तो पुलिस और वकील सारा पैसा खा जाएंगे। ओके सर। नुक्कड़ से बाई गली में जाना, वहाँ मुथु मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड दिखेगा, वहाँ मेरा आदमी रॉबर्ट्स मिलेगा, उसका नंबर नोट कर लो, दुकान के बाहर से ही फोन करना, आ जाएगा। हेलो। अच्छा ठीक है, भांजे जीजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। अच्छा जा, मिलते हैं। अरे कौन सा फोन दिया यार, डिस्प्ले काम ही नहीं कर रहा है, कल ही तो लिया था। मेरे पे क्या चिल्ला रहा है तू, बिना वारंटी गारंटी के फोन लिया तो तू कंपनी के पास जा, यहाँ आके टेंशन नहीं देने का अपन को। अरे ठीक कर देना यार, अभी दूसरा किधर से खरीदूं मैं। क्या यार तू भी कर देना प्लीज यार। भाई तू फोन रख के जा, मैं देखता हूँ, कल आना तू, कल आना, कर देना। सर रॉबर्ट? रॉबर्ट मैं ही हूँ। एक्चुअली मुझे सलमान भाई ने भेजा है। सलमान भाई? इसी कॉम्प्लेक्स में दुकान है उनकी, तुम्हारा फोन नंबर दिया था और अकाउंट डिटेल्स देने को कहा। डिटेल्स बोल रहे हैं? मैंने अभी तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन कट कर दिया। मेरे पास कोई कॉल नहीं आया भाई। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अभी फोन किया, तुमने कट कर दिया था। अरे मैं फोन के बाजू में बैठा था, कोई कॉल नहीं आया मुझे, सच्ची। सर इसने बोला ना कोई कॉल नहीं आया, जाओ ना यहाँ से, एक सैमसंग का चार्जर दे रहे। चार्जर निकाल रहे। देखो भाई मैं कोई सलमान वलमान को नहीं जानता हूँ, अभी धंधे का टाइम है, टाइम खोटी मत कर, जाए यहाँ से। अरे कौन है ये, कहीं को आया था? अरे फोन लाता नहीं है, बोलते रिपेयर कर दो, ऐसे कैसे रिपेयर कर दे, हम लोग को भी मगजमारी होती है ना। अच्छा, चल धंधे का टाइम है, बोल देख ये चार्जर है बराबर। अरे उतने का ही है भाई। अरे कुछ कम कर यार। कम ज्यादा नहीं है, बराबर है। अरे क्या तू भी यार, अभी पैसा निकाला ना? हाँ निकाला। जब पैसा निकालोगे तो मैसेज आएगा। सर ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन चेक कर लीजिए। चल जल्दी जल्दी कर चल। सर मेरे फोन के SMS को ब्लॉक कर सकते हैं? क्या कहा? सर मेरे फोन के बैंक के SMS को ब्लॉक कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते। देखिए मेरे फोन में बैंक का SMS आता है, मुझे उसे ब्लॉक करना है। अगर इधर ऐसा काम नहीं होता, दूसरी जगह जाके देखो। मेरे साथ चलिए, 2 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। दो अदरक वाली शाय। हाँ तो बताइए सर, आपका नंबर है या आपकी वाइफ का? क्या मतलब? अरे सर कई बार हस्बैंड का वाइफ के साथ बैंक में ज्वाइंट अकाउंट होता है ना, वाइफ से छुपा के पैसे कैसे निकालेंगे? आपका क्या सीन है? मेरा ही नंबर है। 15 हजार लगेंगे, चलेगा? 15 हजार रुपए? ऐसे भड़क रहे हो जैसे 15 लाख रुपए मांग लिए, बाकी के पैसों से आप ही तो अय्याशी करोगे। लेकिन पक्का SMS ब्लॉक करवाओगे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ए सर को चाय पिला, मैं अभी आया। एक क्लाइंट को अपने बैंक का SMS ब्लॉक करवाना है, उसे भेजू क्या? आज नहीं, कभी और भेजना। बहुत पैसे वाली पार्टी है, पॉकेट में 15 हजार रुपए लेके घूम रहे। मैं उसको वेट करने को बोला, उसका खुद का अकाउंट है, चेक कर लिया, कोई लफड़ा नहीं है। किधर बैठा है उसे? बैठा है नहीं, उधर खड़ा रखा है। हा? अरे बाप रे, अबे तुझे बोला है किसी को भी इस दुकान पे लेके नहीं आने का, मैंने इसको अभी अभी भगाया है। हा? पागल हो गया क्या तू? अभी इसको कौन संभालेगा बे? पहचान के आदमी। क्या हुआ? बोलिए सर। मुझे SMS ब्लॉक करवाना है। देखिए हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। इसने बताया। एक चाय बनाने वाले को मोबाइल्स के बारे में क्या पता है? ए चल कल्टी मार। ठीक है, दूसरों के फोन कॉल सुन सकते हैं? क्या भाई पता है आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ हम लोगों को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। नहीं कर सकता। देखो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ सर, ये सब काम नहीं करते।
हेलो गोपाल भाई, वो ज्यादा शाणा बन रहा है। अपने 5 पंटरों को लेके सब्वे की तरफ पहुंच जाओ, हाथ पैर तोड़ डालो उस साले के। हेलो बात सुनो, 5 नहीं 10 आदमी भेजना, साले की एक एक हड्डी पसली तोड़नी है, पीछे ही करते जा रहा है मेरा। गोपाल भाई आप भी आ रहे हैं ना, साया बन के पीछा कर रहा है मेरा, अपने साथ विकी टकलों को भी लेके आना, इसको छोड़ेंगे नहीं, यहीं पे जिंदा गाड़ डालेंगे, पीछा करते जा रहा है मेरा। ए, रात को इधर से जाने का नहीं, हम लोग कह रही है चल भाग। गोपाल, ए गोपाल, तुम दोनों कहां मर गए थे, तुम लोग के नाम को मैं भूल दे रहा था उसको। अरे बोला ना आएंगे तो आएंगे। अरे तुम लोग मरवा डालोगे, मैंने कहा था 10 आदमी लेकर आओ, कहां है वो। फिकर मत कर, आते ही होंगे, धोना किसको है। अरे इस चूहे के लिए हम लोग को बुला। अबे मेरी पहचान देगी? अबे कान गजूरे, तेरी हड्डी पस्ती तक नहीं मिलेगी, बता देता हूं। अबे लंबू ढीट है, आग तक नहीं झपकाई। ये भाई ये लात का भूत बात से नहीं मानने वाला है, इसको तो मैं। ये लास्ट वार्निंग, ये शंकर दादा है, भाग ले भाग ले। मम्मी मुझे बचा लो। अरे मारो नहीं इसे। ए रुक, तेरे तो मेरा नंबर देखते ही फोन क्यों काटा? बताता है कि बताता हूं सर, तुम्हारे तुम्हारे बैंक के मैसेज मैंने ही ब्लॉक किए थे। कैसे ब्लॉक किए थे?
वो डार्कनेट है ना, उसके जरिए किए थे। डार्कनेट? हाँ। वो क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट से कोई भी काम नहीं कर सकते, डार्कनेट की मदद से कर सकते हैं। ये सब टॉर नाम के ब्राउजर से ऑपरेट होता है। अनियन रिंग, प्याज के छिलके माफिक, छिलके के नीचे और ज्यादा छिलके। आप कितना भी ट्रैक करने की कोशिश करो, आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। सारे इलीगल काम डार्कनेट से ही होते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, वेपन डीलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ड्रग्स, फिल्म पायरेसी, सब डार्कनेट के थ्रू होते हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है सर। यूजर आईडी से फोन नंबर मिलता है, पहले उसे हैक करते हैं, फोन की पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आपकी सारी बातें, एसएमएस, बैंक ट्रांजैक्शन का ओटीपी, सब पता चल जाता है। हमें मेल से एक डेट मिलती है, उसी डेट पर आपके बैंक से आए एसएमएस को हम ब्लॉक कर देते हैं सर। ठीक उसी टाइम पे हम लोग पैसा चोरी कर लेते हैं, आपके सभी फोन कॉल्स, पर्सनल वीडियोस, पर्सनल फोटोज सब फॉरवर्ड कर देते हैं। इस काम के बदले हमें बहुत पैसा मिलता है। उसका यूजर आईडी क्या है? यूजर नेम व्हाइट डेविल। उसका आईडी है डार्कनेट किंग पिन। वो किस कंट्री से ऑपरेट करता है किसी को नहीं पता सर। ना किसी ने उसका चेहरा देखा है, ना कभी उसकी आवाज सुनी है। हेलो फ्रेंड्स। कोई उस तक नहीं पहुंच सकता सर, डिजिटल वर्ल्ड का डॉन है वो। डर। बचपन में पेरेंट्स ने हमें जितना खाना नहीं खिलाया, उसे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग में भर दिया डर। खाना खा लो नहीं तो राक्षस आ जाएगा, ऐसी कई दकियानुसी बातें हमारे दिमाग में भर दी गई हमेशा के लिए। तो इंफॉर्मेशन इज पावर। 1969 में नासा ने रॉकेट को कंप्यूटर से चांद तक पहुंचाया, उसे कहीं ज्यादा आज के हमारे स्मार्टफोन्स मिलियन टाइम्स पावरफुल हैं। यू आर लिविंग इन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, द इंफॉर्मेशन एज। पहले लड़ाइयां लड़ी जाती थी हथियारों से, फिर बायो वॉर शुरू हुआ और अब साइबर वॉर। जिसे डेटा यूज करना आता है उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक हथियार है। उसके सहारे वो किसी की भी वैल्यू को डाउन कर सकता है। What the hell? या फिर उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। Do you agree, sir? भूख खाने की नहीं इंफॉर्मेशन की हो। ए, मेरा लोन पास हो गया, कल मेरे अकाउंट में आ जाएगा। दुनिया बसी है इस डेटा में। एनकाउंटर ऑर्डर आ गया है, कल तक उड़ा देंगे। और ये डेटा किसी को भी गुलाम बना सकता है। मेरी कार से टक्कर लगी, ऑन द स्पॉट मर गया। किसी को भी बर्बाद कर सकता है। मैंने अपना एक वीडियो तुम्हें भेजा है, कैसी लग रही हूं? एक फिलोसोफर ने कहा, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है वही जीता है। इसलिए टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट योरसेल्फ। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। गुड लक। जय हिंद। एक मिनिस्टर के अकाउंट का डिटेल तुम्हारे हाथ कैसे लगा? बैंक अकाउंट और ऑफशोर अकाउंट भी। 600 करोड़ फ्रीज होने की वजह से इंडिया नहीं लाए जा सकते, पर उन सारे रुपयों को मैं चुटकियों में ट्रांसफर कर सकता हूँ। व्हाट नॉनसेंस, वो इंडिया नहीं है। जानते हो कितने इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड है सत्यमूर्ति? नो नो, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर। ये बताओ उसके बदले क्या चाहते हो? इंफॉर्मेशन। जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री में है, जितने भी सैटेलाइट लिंक कोड्स हैं, आई नीड देम। व्हाट? अपलिंक कोड्स? वो तुम्हें क्यों चाहिए? मेरी हजार आंखें हैं, मेरी नजर से एक भी डाटा मिस नहीं होता। मजाक कर रहे हो? पता है इसके लिए कितना बड़ा सर्वर फार्म चाहिए? मेरा 2 एकड़ का सर्वर फार्म है सर। व्हाट? 2 एकड़ गवर्नमेंट से छुपा के? गवर्नमेंट से छुपा के 600 करोड़
जमा किए उसी तरह। मेक इट फास्ट, आई एम गेटिंग लेट सर। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। सर 10 लाख का लोन चाहिए, पास करवा दीजिए ना। मुझे बर्बाद कर दिया, अब इन लोगों को भी बर्बाद करेगा तू। ये शिव कुमार है, इन फ्रॉड्स का अगला शिकार। जब पता है तो उसे फोन पर बता क्यों नहीं देते? क्योंकि इस वक्त ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। इसे फॉलो करके उस मास्टरमाइंड व्हाइट डेविल तक पहुंचना होगा। तो क्या करना चाहते हो? शिव कुमार ने 10 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है, बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी व्हाइट डेविल इसमें जरूर किसी तरह से इन्वॉल्व होगा। हमने शिव कुमार का फोन लोकेशन ट्रेस कर लिया है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 2 दिन में पैसा गायब कर दिया जाएगा। उसे आज डॉक्यूमेंट सबमिट और अप्रूव करवाने होंगे। अगर उसे फॉलो करेंगे तो व्हाइट डेविल की कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगी। आर शिव कुमार, यू कैन रन बट नॉट हाइड, आई एम वाचिंग यू। हेलो अभिमन्यु सर, हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। गाड़ी का नंबर है TN85C2118। ओके गॉट इट। अरे तू तो क्या कर रहा है, लाल बत्ती नहीं दिख रही, जाना है तो उड़ के जा। अरे यार कोई पुलिस नहीं है यहाँ, थोड़ा साइड में कर लेना। अरे क्या साइड पे ले, उधर कैमरा है ना, मेरी और मेरी गाड़ी की फोटो घर पे भेजेंगे। मेरी मंगेतर को पता चल जाएगा मैं रिक्शा चलाता हूँ, शादी टूट जाएगी। आया बड़ा मेजर अभिमन्यु, उसके गिरेबान से हाथ हटाओ। बोलो अल्बर्ट। शिव कुमार का फोन नंबर ताम्बरम रेलवे स्टेशन के टावर के पास लोकेट हो रहा है। गॉट इट। आ वो स्टेशन में एंटर हो गया है। शिव कुमार प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंटर कर रहा है। किसी भी अनजान वस्तु को ना छुए, अगर आपको ऐसी कोई वस्तु मिले तो पुलिस को खबर करें। क्या हुआ? ये स्क्रीन को क्या हो गया? कोई एरर होगा, दूसरा कैमरा चेक करो। हाँ काम हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे अब साइन कर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तुम कौन हो? आप शिव कुमार हैं ना? हाँ मैं हूँ। डॉक्यूमेंट्स दीजिए। पर वो डॉक्यूमेंट्स तो मुझे उसको देने। आपको लोन चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए ना। हाँ तो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, पर जरा जल्दी कीजिए प्लीज। शिव किसी से बात कर रहा है। सर फेस नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कैमरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सर कोई ब्लाइंड स्पॉट है, फेस नहीं दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा आगे आए तो शायद देख सकते हैं। एजेंट को कॉल लगाओ। सर अरे शिव कुमार किसी से बात कर रहा है, उसे पहचानते हो? राइट साइड, राइट की ओर देखो। गो 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 गो। हाँ दिखाई दिया, अभी जाता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ ये लो। दूसरा आदमी नहीं दिखाई दे रहा। काम हो जाएगा, थैंक यू। सर 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 किससे बात कर रहे थे? अरे वो जो आपका आदमी था उससे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो आपका आदमी लेके चला गया। रेड अम्ब्रेला, ट्रेस हिम। आई सेड फॉलो। फॉलो 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 फॉलो। सर अम्ब्रेला मिल गया। शिव कुमार की फाइल।
मुझे जोरदार सामने फोन पता कितने लोग हैं तेरी गैंग में? अब तक कितनों को चीट किया तूने? पता बोल, तेरा बॉस कौन है? नाम बता। एक नेटवर्क है, बॉस कौन है नहीं जानता। मुझे स्टॉल लगाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, लोकेशन वही बताते हैं, किससे बात करनी है सिर्फ शर्ट का कलर बताते हैं। चल के उनके पास जाता हूँ लोन की बात करने। लोन प्रोसेस होने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रहता, उड़ाए गए पैसे कहाँ जाते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ अपने 10% से मतलब होता है सर, मुझे छोड़ दो, इतना ही मालूम था मुझे। 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद मेरा 60,000 रुपए दे देना बस। वो चेक डिपॉजिट क्यों नहीं करवाया? मेरा चेक बैंक में क्यों नहीं डाला? सिर्फ आपका ही नहीं सर, किसी का चेक डिपॉजिट नहीं होता है। तो तुम्हें अपने पैसे कैसे मिलते हैं? बताता हूँ, हेलमेट पहन के एक आदमी आता है मुझसे चेक लेने के लिए, उसके बदले कैश दे जाता है। चेक पे आपके किए सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सर। मेरी आंखों पर अटैक किया है। उस एजेंट के कितने क्लाइंट्स हैं? 18 क्लाइंट्स हैं सर। ये सब फ्रॉड है, सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स भी फ्रॉड है। बैंक में कंप्लेन कर दो, बाकी वो संभाल लेंगे। बोलिए मामा। हाँ जी, अभी अभी मथुर से जेरोक्स वाले का फोन आया था, बैंक वाले हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें सच का पता चल गया है। बैंक जाके पता करो क्या हो रहा है। हाँ ठीक है मामा। अरे एक मिनट सर, एक मिनट, क्या कर रहे हो? जरा यहाँ आइए। तुम सर, मेरा ही नाम अभिमन्यु है, रंगस्वामी का बेटा हूँ। तो वो तुम हो, फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया था ना, हम गधे दिखते हैं क्या? खुद को बहुत बड़ा चालाक समझते हो क्या? सर सर ये रख लीजिए सर। अरे प्लीज सर, सोने की चेन देने का क्या मतलब है? देखो हमें सोना नहीं चाहिए, अगर कैश है तो बोलो। सर चेन बेच के 15,000 मिल गए, आप ये रख लीजिए। ठीक है, 30 दिन का तुमको टाइम देता हूँ, उससे पहले लोन का मामला क्लियर कर देना, वरना जाओगे 12 के भाव में। सांप ने शराबी को काटा और मर गया। हे भगवान क्या जमाना आ गया है, हा? फर्जी डॉक्यूमेंट स्कैम। भांजे ये देख, लोन एप्लीकेशंस पे इंक्वायरी। तुम किस्मत वाले हो कि तुम बच गए, क्या समझे? उनके पास आपकी हर बात की इंफॉर्मेशन है सर। सारे के सारे लोन लेने वाले अब जेल जाएंगे, तुम उस्ताद निकले। तुम्हारी गोल्ड चेन ने तुम्हें लोहे की हथकड़ी लगवाने से बचा लिया। उस लिस्ट पर जितने भी लोग हैं सबने मेरी ही तरह फेक डॉक्यूमेंट्स देकर लोन हासिल किया होगा। वो लोन अलग अलग बैंक से लिया होगा, किसी ने प्राइवेट तो किसी ने इंटरनेशनल बैंक से, लेकिन उन सभी लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाला, लोन दिलवाने वाला एक ही टीम का एजेंट है, सबका एक ही नेटवर्क है। हमारी इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, हमारी जरूरतों का फायदा उठाकर हमें टारगेट करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हमारी डिटेल्स खरीदते हैं। इन्हीं के बारे में बताया था, इनकी एक जेरोक्स की दुकान है, लेकिन आजकल बिजनेस थोड़ा ठंडा है, आप इनकी मदद कर सकती हैं? ओके, हाल ही में हमने एक लकी ड्रॉ स्टार्ट किया है, ये हमारी नई स्कीम है। कस्टमर्स से उनके डिटेल्स लेते हैं और फिर जेरोक्स वाले से वही पेपर्स की कई कॉपीज बनवाते हैं, इस तरह से उनका बहुत फायदा होता है, आपका भी काम बन सकता है। इसके लिए आपको शॉप के ओनर से मिलना होगा। भाई साहब आजकल जेरोक्स कोई नहीं करवाता, आजकल लोग अपने स्मार्टफोन पे ही स्नैपशॉट्स ले लेते हैं सर, 1 रुपया कॉपी का रेट है, बिजली के पैसे भी नहीं निकलते। मैं बताता हूँ सर, पैसा एक तरीके से बनता है, इन्फॉर्मेशन बिजनेस से। हम डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स बेच देते हैं, लक्की ड्रॉ के बम्पर प्राइस के लालच में हजारों लोग अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी शेयर करते हैं, हम लोग इसके जेरोक्स निकाल लेते हैं और हर एक डेटा का हमें 1 रुपया मिल जाता है। 50,000 डेटा = 50,000 रुपए। हमारे क्लाइंट्स हमसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सर्टिफिकेट्स की कॉपी खरीदते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखी होती हैं। उसके रेट अलग हैं सर। एक बात और, फ्लाइट से उतर के हम नॉर्मली बोर्डिंग पासेस फेंक देते हैं, उन पर एक QR कोड प्रिंटेड होता है, उस कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें पैसेंजर के पासपोर्ट डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर और टिकट खरीदने के लिए जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है उसके बैंक डिटेल्स, मतलब पूरी जन्म कुंडली खुलती है। डिटेल्स बेचने पे खूब अच्छे दाम मिलते हैं।
कौन सा पंडित इन जन्म कुंडलियों को पढ़ता है? कुछ खास एजेंट्स हैं, उनका कॉल सेंटर वालों से कांटेक्ट होता है। कॉल सेंटर वाले बहुत मस्त पैसा देते हैं। आपको कॉल सेंटर या फाइनेंस कंपनी से फोन आता होगा, कार लोन लेना है क्या, होम लोन लेना है क्या, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स, फॉरेन ट्रिप्स, थाई मसाज, सुबह शाम मैसेज ही मैसेज। इन कॉल सेंटर वालों के पास हमारे नंबर कहाँ से आते हैं? ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन पहुँचाता है? कंपनीज को नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं और फ्रॉड को नए शिकार की तलाश रहती है। ये सब इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटर से खरीदे जाते हैं, इसीलिए दिन रात कॉल सेंटर से फोन आता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। सही कहा, यहाँ हजारों कॉल सेंटर्स हैं। हमें लूटने वाले कॉल सेंटर को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा होगा। अभिमन्यु, लोन के लिए लास्ट कॉल कब आया था? याद करने की कोशिश करो। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद कोई कॉल नहीं आया था। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? लोन रिजेक्ट होने के बाद कॉल बंद हो गए। इन सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है लोन रिजेक्ट होना। मतलब इन सभी को लोन नहीं मिला। अब इस बात की इन्फॉर्मेशन उस नेटवर्क को कहाँ से मिली होगी? बात यह है कि जब एक बैंक किसी भी वजह से लोन रिजेक्ट कर देता है तो दूसरे बैंक भी उसे इजीली अप्रूव नहीं करते, तो वो लोग एक रिजेक्ट लिस्ट बनाते और कॉल सेंटर वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो लोग उन्हें कॉल करना बंद कर देते हैं। इस फ्रॉड के शिकार यही कुछ 18 लोग हैं। इन्होंने कई बैंकों में ट्राई किया होगा और उनमें से सिर्फ 3 बैंक्स ने लोन रिजेक्ट की होगी। इन तीनों बैंक्स का एक कॉमन कॉल सेंटर है, उसका नाम है TTS, जो कि OMR में है। श्याम, वी आर इन पोजीशन, रेडी टू गो। हे जैक, कहाँ है मैन? फ्रंट एंट्रेंस से रिसेप्शन एरिया में पहुंचा हूं। श्याम, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे? ए, फर्स्ट मैनेजर सामने। ए इडियट, उसका नाम बताना हम लोग को। गोपीनाथ। ओहो, गोपी के साथ गोपियां भी हैं। ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। मुझे व्हाइट डेविल के बारे में पता है। श्याम, गोपीनाथ का चेहरा देख, हवाई उड़ चुकी होंगी उसकी। क्या हुआ? ये कोई और है। ठीक है, दूसरे पे ट्राई करता हूँ। ए श्याम, वो आंटी देख, उरुशी, इसे किडनैप करने में आसानी होगी, दुबली पतली है। ए, SMS भेजो। प्लीज गॉड, यही हो, भेज दिया। फेस रीड कर, मैसेज पढ़ा? अरे वाह, यही है ना, उठा ले शाम, किडनैप कर। फिर से रॉन्ग नंबर। मैन, असली नंबर कब मिलेगा? हे, मोहन को मैसेज भेजो। ये तो शक्ल से बेवकूफ लगता है, इसके बस की बात नहीं है। आई नो अबाउट व्हाइट डेविल। हाय। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? बता सकते हैं टॉयलेट कहाँ है? ए मैन, ये कोई सुसु जाने का टाइम है? आगे से लेफ्ट की तरफ। ओके, चलिए मैं दिखाता हूँ। थैंक्स। आइए। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। हेलो जेक, जेक एक मिनट, किस ओर जा रहा है? हेलो, हाँ, ग्राउंड फ्लोर के रेस्ट रूम की ओर। व्हाट मैन, सबको एक साथ सुसु आई है क्या? हाँ बोलो। किसी का मैसेज आया है, लिखा है मेरा आपसे कनेक्शन है। Be relaxed. नंबर क्या है? नहीं है, सिस्टम जनरेटेड है। बहुत रिस्की मामला है, अगर बात आउट हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। डरो मत। फिलहाल कहाँ? ऑफिस में हूँ, वॉशरूम के अंदर। सिम फटाफट निकालो और फ्लश कर दो, एक आदमी आएगा, जो कहे करना। का यही है, पार्किंग की ओर आ रहा है। जल्दी कर, जल्दी कर। फंस गए यार, गलत गाड़ी है, कुछ करो यार, जल्दी। सोच क्या रहे हो, जल्दी। ए सुनो, यहाँ सफाई हो चुकी है, वहाँ पर जाके करो। अरे उधर जाके सफाई करो। तू? मैं स्वीपर दिखता हूँ। अरे तो और क्या दिखता है? पागल हो गया है? चलिए निकल यहाँ से, दिमाग में घुसा जा सकते हो? अरे नहीं जा सकते आगे, पहले आईडी दिखाओ। भाग यहाँ से, मैं उसको बोल दूंगा तुम्हारा नाम, तुझे अभी बताता हूँ। साफ नहीं जा सकते तुम। अरे काम तो पूरा करो। लगा झटका, वो निकल चुका है। स्टार्ट, मूव मूव मूव। ओके, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अब राइट की ओर। ठीक है,
फिर से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। स्टॉप, यहीं रुक जाओ। स्टॉप 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 स्टॉप। वो तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए। यहां तो कोई नहीं दिख रहा, तो कहां होगा? अटैक ऑन योर नीज। नीचे बैठो, नीचे। क्यों मैं बकरूं? आर्मी एरिया में ट्रेसपासिंग करने की हिम्मत करते हो, वो भी सर्विलेंस वैन में बैठकर हाईटेक वेपन्स के साथ? टेररिस्ट वेररिस्ट हो क्या? नहीं सर, हम टेररिस्ट नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मिलिट्री का तो बस एक ही रूल है, पहले गोली चला दो, फिर पोस्टमार्टम में तुम कौन हो इसका पता लगा लेंगे। रुकेंगे वो बॉयज। शूट शूट शूट। क्या हुआ, सारे के सारे बच गए? ये नकली गोलियां हैं। क्या यार, मिलिट्री के नाम पे इन्हें इतना डराया था। बुलेट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? 90 सेकंड्स। अच्छा, तू तो रिकॉर्ड होल्डर है यार। अच्छा, अपना रिकॉर्ड तोड़ना आज, 45 सेकंड्स में बुलेट बदल के दिखाना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने सीबीआई के लिए ट्रेनिंग ले रखी है सर, हमारी एक्सपर्टीज है सर्विलेंस और ट्रैकिंग। हम चारों लोग अनाथ हैं, अमर ज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट में हमारी पढ़ाई हुई है सर। चीफ करेस्पोंडेंट ने हमें सीबीआई ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, हमने रिजाइन कर दिया और अपने बॉस के लिए काम करने लगे। बॉस का नाम? सत्यमूर्ति। अभी तुम रिची स्ट्रीट से एक हार्ड डिस्क लाए थे। मैं पूरा डेटा तो नहीं, फिर भी चार ऑडियो फाइल्स रिकवर कर पाया हूँ। उनमें से एक फाइल अमर ज्योति ट्रस्ट के फाउंडर की निकली। लगता है उसके और सत्यमूर्ति के बीच कोई तो कनेक्शन है। अनाथ बच्चों के नामकरण से लेके पालन पोषण ट्रस्ट ही करता है। हमने उसे सत्यमूर्ति का नाम दिया, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा कर रखता था और उसका रोल नंबर ही उसकी पहचान बन गई थी। सन 1999 जब Y2K एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, सारे वर्ल्ड बैंक्स में Y2K का खौफ था। उन्होंने सन 2000 में अपने सारे डेटास हार्ड ड्राइव से फाइल्स में उतार लिए। टनों के हिसाब से हार्ड ड्राइव्स कंप्यूटर्स कचरे में फेंक दिए गए। सबने उसे कबाड़ ही समझा सिवाय सत्यमूर्ति के। सत्यमूर्ति ने वही कबाड़ कचरे के भाव में खरीद लिया और उसके चार कंटेनर भर के अपने वर्कशॉप पर ले आया। हमें जान की धमकी देके वो ट्रस्ट उसने अपने नाम करवा लिया। उसी ट्रस्ट के नाम पे एक वेयरहाउस शुरू किया, हार्ड डिस्क में स्टोर्ड बैंक्स डेटा का बैकअप लिया, व्हाइट डेविल नाम के यूजर आईडी से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जाल बिछाया। ट्रस्ट जब उसके नाम ट्रांसफर हो गया तो अननोन सोर्सेज से पैसा बरसने लगा। मैं घबरा गया और ट्रस्ट की सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में मैंने सवाल किए। एक दिन उसका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मेरी टेबल पे रखा मिला। मैंने फोन करके उसे वजह पूछी तो उसने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो अमाउंट भर लो, मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी के बेडरूम में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उसे पीछे से खोलो, उसमें कैमरा निकला, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा जालिम इंसान मैंने कभी नहीं देखा और उसका सच जाने बिना यूनिसेफ उसको प्रमोट कर रहा है। मैं तो डर गया। इतना बिल्डअप किस लिए? लॉबी में ही देख लिया था तुझे, प्लान तो अच्छा था। एक सेकेंड।
मेजर अभिमन्यु, कितने पैसे लूटे तुमसे? यही कुछ 10,25,000 रुपए। टाइम प्लीज, गिव मी 5 सेकेंड्स। डन। ओके, अकाउंट चेक कर लो, पूरे पैसे पहुंच गए। अब क्या करोगे? पुलिस? ओके, लेट मी कन्फेस, आज तक 800 करोड़ चुराए हैं। इस देश में 8 रुपए, 8,000 या 800 करोड़ चुराओ, केस सेम ही लगता है। 420, माना कि मैं 420 हूं, और तुमने भी गवर्नमेंट को चीट किया है। तुम भी 420 हुए? तुम्हें लेकर 10,000 लोगों को चीट किया, और उन सब के सब ने गवर्नमेंट को चीट किया। हम सब जेल जाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जब बाहर आऊंगा तो मेरा पैसा ट्रस्ट में बिल्कुल सेफ होगा, कोई उसे छू नहीं सकता। पर बाकी बेचारे मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएंगे। जेल जाने के बाद, जेल जाने की शर्मिंदगी से जिंदगी भर के लिए खून के आंसू रोएंगे। चोर को अगर पिच्छू काट ले तो चुप रहना पड़ता है। तुम सब के सब चोर हो, और वो पिच्छू मैं हूं। मैं काटूंगा और तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। मुझे गोली मारना चाहते हो? मार दो, मेरे पीछे मेरी फैमिली में रोने वाला कोई नहीं है। क्या सोच रहे हो कि इतना पैसा मैं लेकर क्या करूंगा? लोगों को क्यों लूटता हूं यही जानना चाहते हो ना? क्योंकि मुझमें दम है। तुमने मेरे एजेंट को किडनैप किया, इसकी खबर मुझे 3 दिन पहले ही लग चुकी थी। तू सीसीटीवी कैमरा से अम्ब्रेला में तो छुप गया, लेकिन बदकिस्मती से एक सेल्फी में कैद हो गया। क्या लगता है, गन हाथ में तो किसी का भी भेजा उड़ा देगा? गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। मेजर, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। जानना चाहेगा कि इस वक्त तेरी बहन कहां है? मैं बताता हूं। कुछ मिनट पहले कोयम्बतूर के बस स्टैंड पर एक बस से उतरी है, और एक ऑटो में जाके बैठी है जिसका नंबर है 8203। ड्राइवर ने ऑटो को रोड के बीचों बीच रोक दिया और वहां से भाग गया। ए, कहां जा रहे हो? तेरी बहन कुछ समझ पाती उससे पहले एक ट्रक आया और 5 मिनट में अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मुर्दा घर पहुंचा देंगे। इफ यू डोंट माइंड, मैं लेफ्ट ऑन करूं? अभिमन्यु, फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब समझते हो? वो अकाउंट जो टेररिस्ट यूज करते हैं, मिशन पूरा होने के बाद उस अकाउंट में जितने पैसे हैं उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, और जो कोई भी उस अकाउंट को छूता है ऑटोमेटिकली टेररिस्ट से उसका लिंक हो जाएगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, CBI, इंडियन मिलिट्री उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर देगी। अब सोचो, ऐसे टेररिस्ट अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो क्या होगा? देशद्रोही का लेबल लग चुका है तुम पर। अब मेरे हिसाब से अगले 45 मिनट के अंदर अंदर तुम अरेस्ट हो जाओगे, तो बेहतर है कि अपनी बहन को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाओ, शायद बच जाए। गुड लक। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? आप उस तरफ चल जाएं। डॉक्टर, सेल्वी कैसी है? अभी कुछ नहीं बता सकती। ये सब क्या है भांजे? बाद में समझाऊंगा मामा। तुम्हारा टेररिस्ट से कोई लिंक प्रूव नहीं होता, लेकिन अपनी बहन की शादी के लिए एक फ्लैग्ड अकाउंट से पैसे लिए हैं। यू आर इनकेपेबल ऑफ सर्विंग इंडियन आर्मी। Tomorrow morning you will be the court martialed by 8 o'clock.
मैंने केशव को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया है, वो सिंपल शादी के लिए रेडी है। भैया मेरे लिए आपने इतनी तकलीफें उठाई हैं, आपके प्यार का एहसास हो गया है। आप सही सलामत घर लौट आए और कुछ नहीं चाहिए, पहले की तरह अपनी फैमिली नहीं खोना चाहती। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। उसकी पूरी लाइफ की डिटेल्स निकालो। वो अब एक यूथ आइकन बन चुका है, फेसबुक पर उसके करोड़ों फॉलोवर्स हैं। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। जय हिंद। ये हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर विजय राजन है। ओ, सनलाइट को थर्मोकॉल से रोक देंगे, किसी पागल ने कहा। वो एनर्जी मिनिस्टर था। इस टेलीकॉम मिनिस्टर और व्हाइट डेविल के बीच कोई कनेक्शन है, मुझे लगता है ये मिनिस्टर डरा हुआ है। ओ, हो सकता है मिनिस्टर को फंसा के उसका कोई गलत वीडियो बना लिया होगा। शायद मिनिस्टर को ब्लैकमेल करके कोई पॉलिसी चेंज करवाना चाहता हो। चेक पे आपके किए सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। उसकी असली वैल्यू कोई नहीं जानता। तुम महज एक नंबर हो। इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सिर्फ आईडी है ना? जैसा हम सोचते हैं वैसे आधार कार्ड सिर्फ बेसिक आईडी कार्ड नहीं है, उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट और आई स्कैन की इन्फॉर्मेशन होती है। उन डिटेल्स से वो एक मास्टर कार्ड है। अरे कितना डराएगा, बच्चे की जान लेगा क्या? मैं आपको डरा नहीं रहा, फ्यूचर बता रहा हूं। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाए, यही उस सत्यमूर्ति का प्लान है। लेकिन वो क्या करेगा हमारी इन्फॉर्मेशन का? अब तक हमारे फोन हैक करके हमें कंट्रोल करता आ रहा है, अब हमारी जिंदगी हैक करने वाला है। मेरे फिंगरप्रिंट्स की तुम्हें क्या जरूरत है? मैं किसी झंझट में फंस गया तो? सर, एक प्रिंट ही तो है, 600 करोड़ का सवाल है। We are being watched. क्या? ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था सब कुछ सेफ है, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई? सर आप जाइए। सर आइए, इनको ले जाओ। कुछ नहीं होगा, कार में चलिए, शायद मीडिया से ले जाओ। आइए ना, आइए सर, आइए बैठिए। कौन है तू? जर्नलिस्ट है? बैग चेक करो इसके। इनकम टैक्स है। फोन में जीपीएस चेक कर इसके। जीपीएस है भाई? तो तोड़ दे। टेक हर। कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं मैं। डोंट वरी, मेरे आदमी बहुत शार्प हैं, उसे हैंडल कर लेंगे। ए, अपना नाम बता, किसने भेजा तुझे? मिनिस्टर का पीछा क्यों कर रही थी? गूंगी बहरी है क्या? ए छोरे, हम धमकाते वमकाते नहीं है। तेरे जिस्म से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कपड़ा उतारेंगे और एक फोटो लेंगे। अगर हमारी कोई बात लीक करने की कोशिश करेगी ना, तो हम लोग उसी टाइम तेरा फोटो वायरल कर देंगे। उसको देख के हजारों मर्द अपनी आंखें सेकेंगे, उसके बाद शक्ल नहीं दिखा पाएगी। मेरी बात तेरे को मजाक लगती है क्या? डरवर नहीं लगता तेरे को? अरे बोलना, मैं क्या पूछ रहा हूं?
जवाब नहीं देगी? अरे बोल, तेरी जबान पे ताला लगा के रखा है क्या? नमस्ते बिग बॉस, व्लादिमीर नाम के इंपोर्टेड हैकर को जानते हो? ऊपर वाले की भक्ति के अलावा तुम्हारे हैकिंग सिस्टम की सेवा करता था, तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया और उसका लैपटॉप लेकर आया। ओह मेजर, ओह आई एम सॉरी एक्स मेजर, तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल सब कुछ भूल गए क्या? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, मुझ पर मेहरबानी करने वालों को कभी नहीं भूलता। और तुमने तो मेहरबानियों की बारिश ही कर दी है, तो तुम्हें कैसे भूल जाऊं? बहुत ब्रिलियंट हो तुम, टेक्नोलॉजी से दुनिया का डेटा चुरा लेते हो। पर क्या करूं, मैं भी मिलिट्री से हूं, आदमी के दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकालना जानता हूं। जब तक कि तुम सोचोगे उससे पहले ही मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। अरे वाह जीनियस हो सर, मैं जानता हूं आप स्क्रीन देख रहे हो, जरा एक बार रिफ्रेश तो करना। कॉपी कैट। इसे कॉपी नहीं कहते सर, ये एजुकेशन है। और ये गुरु ज्ञान हमें आप ही से मिला है। आपसे इतना कुछ सीखा है, एक डेमो दिखाऊं क्या? अभी आपके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए, पता है कौन से अकाउंट से आए थे? तमिलनाडु पुलिस अकाउंट का पैसा था। अब इस लैपटॉप से तुम्हारा नेटवर्क यूज किया गया और तुमने तमिलनाडु पुलिस की सैलरी चुरा ली। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सबकी सैलरी गुल हो गई है सर, और उनका सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। साइबर सेल तो अब तक काम पर लग भी गया होगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग तुम्हें लगभग 3 घंटे में अरेस्ट कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल है, पर भागने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता है। You know something? अब तक सिर्फ मैं तुम्हें एक नंबर समझता था, पर अब तुम एक चेहरा बन चुके हो। मैंने तुम्हें underestimate किया, but still, I love you. What is this nonsense? चोर पकड़ने की बजाय गेम खेल रहे हो? ये क्या सर? मॉनिटर पे I love you लिखा है। सर, पुलिस का पूरा सर्वर क्रैश हो गया। ये कैसे हुआ? I love you virus। अगले 48 घंटे तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। आज अगर वो यहाँ से भाग गया, तो दुनिया का कोई इंसान White Devil तक पहुँच नहीं पाएगा। किसी ने मेरे अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। Shut down the trust office. एक एक रिकॉर्ड डिस्पोज कर दो, एक क्लू तक नहीं बचना चाहिए। सारे इलीगल फंड्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से निकाल के सर्वर फॉर्म पर ले आओ, जो 600 करोड़ से कम नहीं है।
आज से मैं तुम्हें नहीं जानता। कार तुम्हारी हुई। व्हाइट डेविल इज गॉन। गुड लक। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। ओहो, तो हमारे चुराए पैसे यहां रखे हैं? क्या बॉस, मुझे आई लव यू कह के धोखा देके भागने की तैयारी कर रहे हो? मेरा जवाब नहीं सुनोगे? आई लव यू टू। सोचा था तुम्हें ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जितना मुश्किल होगा, तुम तो मेरे झोली में आकर गिर गए। अपने आदमियों को ट्रस्ट का सारा पैसा रातों रात सर्वर फार्म पर लाने को बोल दिया। तुम्हें यकीन था कि मुझ जैसा मामूली आदमी तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। अनाड़ी की तरह सारे एविडेंस के साथ यहीं फंस गए व्हाइट डेविल। ये कबाड़ Y2K के दौरान खरीदा था ना, इन्हीं कंप्यूटर्स से मुझ जैसे लोगों को बर्बाद किया है। कहानी जहां से शुरू हुई वहीं खत्म हो गई। WhatsApp पे पुलिस के साथ ये लोकेशन शेयर कर दिया है। They are expected anytime। तुम ही ने कहा था ना, इंसान को तभी उलझाओ जब उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स जान जाओ। तो मैंने वही किया। हा। सुन, मेरी पावर, मेरी दौलत ये नहीं, ये है। मेरे पैसों को हाथ मत लगाना मेजर, बहुत जल्द इससे कहीं ज्यादा कमा लूंगा। तुम्हें पता नहीं है मेरे हाथों में छपे हैं तुम जैसे हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। इसी तरह मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ लाखों लोगों के फिंगरप्रिंट्स मेरे पास स्टोर हैं। इलेक्शन में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन किसे वोट देगा, मैं डिसाइड करूंगा। आई विल बी द किंग मेकर। इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें है। अरे ओए मिलिट्री ऑफिसर्स को क्या ट्रेनिंग देता था, उदी भूल गया? उधर देख, तेरे सारे सबूत स्वाहा हो गए। पुलिस, जलाने दे पुलिस को, इस सबूतों की विभूति को अपने चेहरे पर लगा लेंगे। क्या सर, हमेशा कहते हो ना इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत एक बार चेक तो कर लेते हैं। पुलिस तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा 420 का केस ठोकेगी। तुमने जिन्हें फंसाया है उन्हें जवाब कौन देगा? इसीलिए पुलिस के साथ साथ मैंने उन्हें बुलाया जिन्हें तुमने फंसाया था, जो तुम्हारी नजर में महज नंबर्स हैं। तुम्हारे फंसाए उन हजारों नंबर्स को अब मैंने एक चेहरा दिया है। तुम्हारे ट्रस्ट से मैसेज किया है कि उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। सब लोग बैंक की ओर दौड़े जहां उन्हें पता चला कि बैंक ने तो ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। पैसा वहां है ही नहीं, पैसा कहीं और है। उनका गुस्सा बढ़ता गया और ठीक उसी वक्त व्हाट्सएप पर तुम्हारा लोकेशन भेजा। सब तुम्हारी खातिरदारी के लिए आए हैं। व्हाइट डेविल को कोई नहीं पहचानता, पर अमर ज्योति ट्रस्ट के ओनर सत्यमूर्ति को सब जानते हैं। चौंक गए? व्हाइट डेविल और सत्यमूर्ति दोनों एक ही इंसान है, ये मैं सबको बता चुका हूं।
Your account is hacked. Ha, ha, ha. Teri to. मेजर अभिमन्यु, इस गेट को खोलना चाहते हो और यहां उन्हें क्या मिलेगा? पैसा चल चुका है, गुस्से में आकर क्या करेंगे? मुझे जान से मार देंगे ना। एक दिन मुझे भूल जाएंगे, तुम्हें भूल जाएंगे, याद रहेगा तो सिर्फ अपना हर महीने का ईएमआई भरना। इन सभी लोगों ने भी बैंक के साथ फ्रॉड किया है, इनकी भी चोरी पकड़ी जाएगी। यदि दरवाजा खोला तो 10,000 चोरों को पैदा करने का क्रेडिट मिलेगा। क्या ये सम्मान पाना चाहते हो? मुन्ना, नतीजे के बारे में एक बार फिर सोच ले। हाँ सही कह रहे हो, बाहर खड़ा हर एक इंसान लोन पाना चाहता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था, कोई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन अपनी भूख को भुलाकर अपने बिस्तर में पड़े बूढ़े बाप का इलाज करवाना चाहता है। और तुम उन्हें यकीन दिलाओगे कि झूठ बोलने से उनके सपने सच हो सकते हैं? तो वो झक मार के झूठ बोलेगा, क्योंकि उसे लोन चाहिए। जिसे तुम चोरी समझ रहे हो ना, वो कोई क्राइम नहीं है। कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हम लोन चुकाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि समाज मुझ जैसे ईमानदार लोगों से भरा पड़ा है। जिन रुपयों को तुमने चलाया वो उन लोगों का पैसा नहीं था। तुमने मिनिस्टर के साथ डील की थी। एक प्रिंट ही तो है, 600 करोड़ का सवाल है। वो फिंगरप्रिंट्स मेरे पास आ गए। बिना मेरे ऑथोराइजेशन के उन पैसों को कोई छू तक नहीं सकता। ये चेक याद है? क्या वो ब्लैंक चेक अभी तक आपके पास है? हाँ रखा है। तुमने हमारा सिग्नेचर कॉपी करके पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने तुम्हारे डिजिटल सिग्नेचर को कॉपी करके पैसा वापस लाया। तुमने मुझसे कहा था तुम चोरी इसलिए करते हो क्योंकि तुम वैसा कर सकते हो। अब मेरी बारी है, मैं इस लोहे के दरवाजे को खोलूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं। अब बचकर दिखाओ। जोसेफ, सबका पैसा लौटा दो। आपको लूटने के लिए ताला नहीं तोड़ना पड़ता। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही बहुत है। On your mark, get set. This is the information. Advanced technology, digital country. Wow, sounds good. Cashless country, careless citizens. Bank loan application point 2. Bank आपसे call करके account details नहीं पूछ सकता,
अगर किसी ने लोन देने के लिए आपको कॉल किया तो आप अपना अकाउंट नंबर, एटीएम पिन, यहाँ तक कि ओटीपी, आधार कार्ड सब उसको खुशी खुशी सौंप देते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं तो आप हर एग्री पर टिक करते जाते हैं। आपका फोन तो स्मार्ट है पर आप स्टूपिड बन जाते हैं। हर मोबाइल में कैमरा है आपको यही लगता है, पर हैकर्स के लिए तीसरी आंख बन जाती है। बिना आपको पता लगे आपकी प्राइवेट लाइफ हैकर्स के लिए डेटा बन जाती है। बिग बॉस के शो की तरह न बच सकते हैं न छुप सकते हैं। आपका गूगल सर्च हिस्ट्री आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरह है। आप बड़े होशियारी से उसे डिलीट कर देते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, पर उनके यहां स्टोर हो जाता है। एक बात माननी होगी, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। वोट देते समय आत्मा की आवाज सुने, कोई फ्री ऑफर दे तो दिमाग का इस्तेमाल करें। जय हिंद।